हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सब अच्छे होंगे स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे मेरा नाम है शिखर सिंह और आज इस वीडियो में हम पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जी हाँ आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ वन शॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो जिनको भी दिक्कत है इस चैप्टर में या फिर जिन्होंने थोड़ा सा भी पहले से प्रिपरेशन ना करते हुए जिसको आती है प्रॉब्लम्स क्योंकि यहां पे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट पहले के भी यूज होते हैं क्लास इलेवन के भी यूज होते हैं तो दोस्त टेंशन मत लीजिएगा आज मैं तुम्हारा बिल्कुल शून्य से अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कुछ भी नहीं आता है दोस्त ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल शून्य से मैं स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल ऊपर तक लेके जाऊंगा बोले तो नौ नंबर का आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम में तो नौ नंबर आज अपने पक्के कर लेंगे है ना और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है सबसे ज्यादा नंबर का ही आ रहा है अब जब सबसे ज्यादा नंबर का है तो भाई इस पे हम को फोकस भी करना पड़ेगा तो मैंने सोचा इसका पहले वन शॉट बना देता हूं ताकि तुम लोग इसको धीरे 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 पढ़ते हुए यहां से नौ नंबर पक्के कर लो ठीक है और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी वन शॉट हो गया उसके बाद में तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर सारे चैप्टर्स के पी वाई क्यूज हो गए मॉक टेस्ट हो गए वो सब चलता रहेगा ठीक है आ जाइए दोस्तों और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी मेरे साइंस डोमेन वाले साथी है जिन्होंने जिन भी केमिस्ट्री ले रखी है ऑब्वियसली अगर आपने साइंस लिया तो केमिस्ट्री तो सबकी कॉमन है ही चलते हैं आज की कहानी अपन स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक बारी ओवरव्यू देख लेना यहां पे देख रहे हो ना नौ नंबर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा नंबर की आ रही है नौ नंबर की तो इसको अपन पहले फोकस करते हुए चलेंगे ठीक है क्लियर और मैंने आपको सोल्यूशन का वन शॉट करा दिया अगर आपने मिस कर दिया प्लीज चैनल में जाके देख लेना आज अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हो जाएगा तो जरूरी नहीं है मैं लाइन से चलूंगा अब मैं नेक्स्ट जो तुम्हारा

टॉपिक्स अपन आज कवर कर लेंगे ठीक है कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जो एंड के टॉपिक्स हैं वो थ्योरेटिकल हैं तो उनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन बनता है वो अपन अच्छे से करते हुए चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई देखो ये जो मेरा वन शॉट है इसको मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर रखा important है इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर मतलब चैप्टर इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है हाँ माना मैंने नॉर्मल है लेकिन जब मार्क्स ज़्यादा कैरी करता है तो हमको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो मैंने ना इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया सबसे पहले अपन वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नस्ट इक्वेशन पढ़ लेंगे उसके बाद कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन देन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्वस पे आएंगे और फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि मेरा थियोटिकल पार्ट है पर एनी अपन को पढ़ना तो है ही तो मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी दे दूंगा है ना ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आप मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे तो वहां से प्रॉपर नोट्स भी बना लीजिएगा शुरू करते हैं कहानी और है सबसे पहला क्वेश्चन के भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते क्यों है इतने नंबर की भी आ रही है जरूरत कहां पड़ी जरूर दोस्त आ जाओ मैं तुम्हें तो इसे छोटी सी कहानी बनाता हूं फ्लैश में चलते हैं देखो आता कहां से सुनिएगा <coughs> यहां पे जो अब आपको पता है सारी चीज़ें मेरी साइंस से रिलेटेड है, है ना सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड हैं साइंस के बाद अब यहाँ जो कहानी आती है केमिस्ट्री में वो रहती है एनर्जी की अब एनर्जी दो टाइप की होती है कौन सी दो टाइप की एनर्जी है दोस्त सुनिएगा जहाँ से मेरा क्रिएट हो गई है ये सारी चीज़ें एनर्जी मेरी दो टाइप की होती है एक वो होती है ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी जिसको मैं एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं ठीक है एक जगह से दूसरी जगह या फिर बोलो उसको दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया पोटेंशियल से काइनेटिक से तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कहानी होती है वो अपन पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक्स में ऑब्वियसली क्लास इलेवेंथ में अपन ने पढ़ा भी है थर्मोडाइनमिक्स सही है ये है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली और एक आती है मेरी ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल से केमिकल केमिकल से इलेक्ट्रिकल यहां पे आती है मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है दो टाइप के ट्रांसफर होते हैं एक होता है मेरा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा मैं इधर करता हूं देखना एक होता है मेरा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल बढ़िया तरीके से बनाते हुए चलिएगा नोट्स है ना और दूसरा होता है मेरा इलेक्ट्रिकल टू केमिकल इलेक्ट्रिकल टू केमिकल जो अपन सबसे ज्यादा कवर करेंगे वो अपन करेंगे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल दिवाली केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में अपना एक नाम है सबसे फेमस जो कि होता है मेरा गैल्वनिक सेल सही है गैल्वनिक सेल तो सबसे पहले अपन स्टार्ट यहीं से करेंगे और गैल्वनिक सेल का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसको अपन बोलते हैं डेनियल सेल डेनियल सेल क्लियर है उसके बाद ये है सर ये कौन सा है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल ये मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़ाई करते हैं ये भी मेरा आएगा सेकेंड पार्ट में ठीक है यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैं केमिकल बॉन्ड्स तोड़ के वहां पे केमिकल एनर्जी क्रिएट करता हूं तो ये है एक ओवरव्यू के भाई कैसे ट्रांसफॉर्मेशन और क्या होता है ट्रांसफर यहां पे मेरी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डाई करती है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल बढ़िया शुरू करते हैं सबसे पहले अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गई है जब इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री है तो वो केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट होती है सबसे पहला जो अपन सेल पढ़ने वाले हैं वो है मेरा डेनियल सेल और बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आ जाओ क्या है इसमें देखते हुए चलते हैं देखो ये जो सेल है ये बना हुआ इसका मैं फिगर इसलिए ताकि तुम एक फिगर से पूरा समझ जाओ देखो यहां पे क्या होता है कि ये मेरा एक बकेट या फिर बीकर मान लो फिर मेरा एक ये बीकर है इसमें ये जो दो रॉड है ये वाली जो रॉड है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड प्लीज ध्यान से सुनिएगा ये होती है मेरी इलेक्ट्रोड है ना ये है मेरी इलेक्ट्रोड अब दो दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है एक ये है और एक मेरी ये है अब इलेक्ट्रोड को नाम दिया जाता है जिस इलेक्ट्रोड पे जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ध्यान से सुनना जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा मैं उसको नाम दे दूंगा एनोड सही है सही है। ठीक है और यही जिस इलेक्ट्रोड पे मेरा रिडक्शन हो रहा होगा अब ये मत बोलना सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है टेंथ में ही पढ़ा दिए गए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो वैसे ठीक है और रिडक्शन अभी वैसे और तुम्हारे रिवाइज देवा, करा दूंगा मैं वो होता है मेरा कैथोड तो इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज एनोड एंड इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज कैथोड क्लियर ठीक है उसके बाद अब यहां पे अगर एक आप ये इन्वर्टेड इमेज देख रहे हो ठीक है ये वाला ये एक ट्यूब है इन्वर्टेड ट्यूब है ये इसको अपन बोलते हैं यहां पे ये हो जाता है मेरा सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज इसके जो मेन फंक्शन है वो मैं तुम्हें तो आगे वाली स्लाइड्स में दिखा दूंगा लेकिन ये तुम्हारी इलेक्ट्रॉन ये जो सेल है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए काम करता है ठीक है लेकिन अभी के लिए तुम इस तरह ध्यान रखो कि सोल्ट ब्रिज भी अपन यूज़ करते हैं और इसमें मेरा काफी सारी चीजें रहती क्या क्या कहानी हो रही है तो अगर तुम्हें ये सेल समझ आ गया है तो सबसे पहले आते हैं कि भाई एनोड पे क्या हो रहा है सुनना सुनिएगा देखो सबसे पहले एट एनोड एनोड अब आपको पता है एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और अगर आप इधर देखोगे तो यहां पे मेरा जिंक सल्फेट प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो मेरा सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है अंदर यहां है जिंक सल्फेट और ये जो इलेक्ट्रोड है वो है जिंक की तो जब मैं बात करूंगा एनोड की तो एनोड पे क्या होता है जेडेन ये कन्वर्ट हो जाता है जेडन सॉलिड कर लो देखो ZN solid, ये convert हो जाता है ZN two plus में aqueous में है ना और यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनोड पे से निकल नहीं। से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकल निकल रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है जैसा मैं बना रहा हूं प्लीज ऐसा ही अपनी नोटबुक में बना लो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं उसके बाद अपन आते हैं कैथोड पे एट कैथोड कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन चेक करते हुए चलना जब मैं कैथोड की बात करूंगा रिडक्शन कैथोड पे कॉपर है कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है तो कॉपर सल्फेट क्या करेगा देखो सीयू टू पॉजिटिव यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं वो मेरा सीयू टू प्लस खा जा रहा है तो सी टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन खा के ये कन्वर्ट हो गया सी सॉलिड में बोलो बोलो तो जिसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जिसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए वो मेरा ऑक्सीडेशन जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए खा गया वहां हो जाता है मेरा रिडक्शन और तुम खुद भी पता लगा सकते हो भैया कैथोड लिखा हुआ है तो रिडक्शन हो रहा होगा एनोड लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा क्लियर मैं अगर चाहूं तो इन दोनों को एड भी कर सकता हूं टोटल अगर मैं लिखूं फुल रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूं तो देखना फुल रिएक्शन क्या होगी तो जो मेरी फुल रिएक्शन होगी अब देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आएगा जेड सॉलिड प्लस सी यू टू पॉजिटिव ठीक गिवस आउट क्या बचा यहां पे जेड टू पॉजिटिव यह है मेरा एक्वस और यहां से आ जाएगा प्लस सी यू ये कहानी है दोस्त जिस जिसको समझ आ गई है बता देना कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा समझ आ गया डेनियल सेल समझ आ गया ये पूरा समझ आ गया क्लियर तो ये कहानी है दोस्त अपन बढ़ते हैं फिर आगे ठीक है तो ये था मेरा डेनियल सेल जिसमें एनोड पे ये वाली रिएक्शन हुई है कैथोड पे ये वाली रिएक्शन हो रही है बढ़िया आगे आते हैं देखो देखो यहां पे ई एक्सटर्नल वाली बात है अब ये ई एक्सटर्नल क्या है सुनना सुनिएगा देखो जो मेरा जिंक है अगर मैं इधर से बात करूं जेड एन से जेड एन टू प्लस जो मेरा जाता है देखो ई नॉट जेड एन जेड एन टू पॉजिटिव से जाता है ये मेरा हो गया इधर अगर मैं बात करूं जीरो पॉइंट थ्री फोर ठीक है और यही ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू ये होता है मेरा जीरो पॉइंट सेवन सिक्स ठीक तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो देखना यहां से क्या आएगा सी यू टू पॉजिटिव सही है ठीक है अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो देखना ई नोट सेल जो आता है टोटल ई नोट सेल जो निकल के आएगा वो आएगा मेरा 1.1 पॉइंट वोल्ट ठीक है 1.1 पॉइंट वोल्ट अब यहां से जो मुझे वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1.1 वोल्ट ध्यान से सुनते हुए चलिएगा ठीक है ये आ रही है मेरी 1.1 वोल्ट उसके बाद अब मैंने क्या किया जो मेरा एक्सटर्नल में से जो बैटरी थी वो आ रही है मेरी 1.1 वोल्ट लेकिन मैंने एक आगे से बाहर से एक बैटरी लगाई उसमें जो एनर्जी मैं दे रहा हूं उसमें जो वोल्टेज मैं दे रहा हूं वो 1.1 से कम दे रहा हूं तो देखो जब मेरा 1.1 से कम है ई एक्सटर्नल तो क्या होगा एट एनोड कुछ भी नहीं सेम रिएक्शन चलती रहेगी एट एनोड पर तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा था ठीक है एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा ठीक है और वही कैथोड पर रिडक्शन हो रहा था तो कैथोड पर तुम्हारा रिडक्शन हो जाएगा सी यू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो जाएगा सी यू सॉलिड में क्लियर है तो कुछ भी नहीं होगा यहां पे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा जैसे पहले सेल चल रहा था इलेक्ट्रॉन मेरे एनोड से कैथोड जा रहे थे करंट का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा और ऐसे ही इधर ही चीजें रहने वाली हैं तो यहां पे क्या आप दो चीजें बतानी पड़ती हैं एक होता है मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो हो रहा है वो मेरा एनोड से कैथोड ही रहेगा क्लियर है और यही जब आता है मेरा फ्लो ऑफ करेंट अब आपको पता ही है करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो होगा मेरा कैथोड टू एनोड कैथोड टू एनोड बता दो क्लियर है ये वाली चीज तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए ठीक अपन बढ़ते हैं आगे अब जो मेरा एक्सटर्नल जो मैंने बैटरी अप्लाई करी है यहां पर जो बैटरी है वो मैंने 1.1 वोल्ट से बराबर कर दी इसका मतलब क्या है जो मेरा इंटरनल अंदर से ई नॉट निकल के आ रहा था और जो बाहर वाला है वो बराबर है जब वोल्टेज बराबर हो गए तो यहां पर कुछ भी फ्लो नहीं होगा जब वो भी बराबर है ई एक्सटर्नल तुम्हारा ई इंटरनल के बराबर हो जाएगा तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये तो तुम्हारा सिंपल हो जाएगा यहां क्या होगा नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब को इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं है देयर फोर तो मैं क्या बोलूंगा देअर फोर सेल विल नॉट वर्क यहां कुछ भी काम नहीं होगा ठीक है यहां पर कुछ भी काम नहीं होगा बोलो क्लियर हाँ एक सेकेंड वो कोई आ गया था ठीक तो ये हो गया उसके बाद अब मैं आता हूं अब क्या अब जो मेरा एक्सटर्नल है जो बाहर से मैं जो लगा रहा हूं वोल्टेज वो मेरा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 1.1 अब जब ज्यादा है अभी तक जो चल रहा था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है अभी तक तो जो चल रहा था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी यहां पे ये जो चीज मैंने कैलकुलेट करी है वन पॉइंट वन यहाँ पे ये वैल्यू क्या ये वैल्यू सही लिखी है अरे यहां पे इसको मैंने उल्टा कर दिया वही देखो यहां पे वही मैं कहूं कुछ तो उल्टा आ रहा है ये जीरो होता, ये होता होता है है ठीक है इतना ध्यान ध्यान रखना ये चीज रखिएगा ठीक पर anyway, अलग अलग तो तुम्हें वैसे दे रखा होगा तुम्हें ध्यान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है ये तुम्हारा दे रखा होगा पर अगर मैंने लिखा है तो उसको तुम करेक्ट कर लेना ओवरऑल जो निकल के आया वो वन पॉइंट वन ही है अब जब ई एक्सटर्नल ज्यादा है तो अब आपका उल्टा चलेगा तो रिवर्स रिवर्स रिएक्शन विल टेक्स प्लेस रिवर्स रिएक्शन विल टेक प्लेस अब यहां पे उल्टा हो जाएगा एनोड कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा कैथोड एनोड में तो अगर तुम चेक करोगे तो यहां पे जिंक एनोड था पिछले वाले में जिंक एनोड था लेकिन अब तुम्हारा जिंक अगर इधर चेक करोगे तो वो मेरा कैथोड हो चुका है कैथोड और जो कॉपर था वो मेरा एनोड हो चुका है तो अगर तुमसे पूछे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोस्त वो कहां से है ऑब्वियसली एनोड टू कैथोड तो रहेगा लेकिन अब जो एनोड है वो है मेरी कॉपर तो कॉपर एनोड कॉपर एनोड टू जिंक कैथोड बिल्कुल उल्टा है पिछले वाले से बिल्कुल उल्टा है हाँ लेकिन होता क्या है एन जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का वो मेरा एनोड टू कैथोड ही रहेगा बस बिल्कुल उल्टा मेरा यहां से जो ये जो गैल्वेनिक सेल है डेनियल सेल है ये जो वोल्टेज जनरेट कर रहा था वो था 1.1 पॉइंट वोल्ट मैं 1.1 पॉइंट वोल्ट से कितना भी कम वोल्टेज अगर मैं एक्सटर्नली अप्लाइड करूं तो मेरा सेल जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा अगर मैंने बराबर कर दिया बराबर कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा और यही अगर मैंने ई एक्सटर्नल बाहर से अगर मैंने वन पॉइंट वन से ज्यादा अगर वोल्टेज लगा दिए तो पूरा सेल मेरा रिवर्स हो जाता है पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे थे अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे अगर तुम्हें यहां तक समझ आ गया है तो मुझे बता दो क्योंकि फिर उसके बाद अपन तो यूज करते रहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और वहां से अपन नए नए टर्म्स पढ़ते रहेंगे यहां पे क्वेश्चन आया है दोस्त कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट बढ़िया क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट ये। वैसे तो अभी मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाऊंगा क्लियर हो जाएगा लेकिन ध्यान अगर आपको बताओ तो रिएक्टिविटी सीरीज़ तो सी प्लस से सी, यू देखना। सी, यू टू प्लस से सी यू होता है तुम्हारा जीरो पॉइंट थ्री फोर है ना और यही अगर मैं चेक करूडेन से कितना ये होता है मेरा जीरो पॉइंट सेवन सिक्स ठीक है और देखो ये मेरा रिडक्शन है अगर मैं इसको भी रिडक्शन में कन्वर्ट कर लूं तो जेड एन टू पॉजिटिव से Zn ये कितना हो जाएगा माइनस का जीरो पॉइंट सेवन सिक्स तो देखो ये माइनस का तो अगर इन दोनों में देखो फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन की जाए इसकी वैल्यू छोटी है कम है तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहां पे आ जाएगा सी यू जब ये कॉपर जिसका बना हुआ है उसी से रिएक्शन कर जा रहा है तो यहां पर आएगा नो नो वी कैन नॉट स्टोर समझ में आया वी कैन नॉट स्टोर सी यू फोर इन जिंक पॉट जेड एन पॉट अगर तुम्हारे वैसे से ही रिएक्शन कर जा रहा है भैया ये है मैं अगर इसमें कुछ ऐसा डाल दूं माल दू जिंक ही डाल दूं तो भैया रिएक्शन कर जाएगा क्लियर है जब रिएक्शन कर जाएगा तो भाई मैं क्यों ही यूज करूंगा पानी इसलिए डाल से रिएक्ट नहीं कर रहा अब उठा ही ली है बोतल तो दो घूट लगा लिए जाए है ना आ जाओ बढ़ते हैं अपन आगे इतना तुम लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए चलो फिर बढ़ गए हैं अपन आगे आते हैं हाफ रिडक्शन और हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे अब ये आधी ऑक्सीडेशन आधा रिडक्शन क्या है इधर से सुनिएगा दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को समझने में क्योंकि इजी है देखो अभी तक आपने पढ़ा था कि एट एनोड मैंने डेनियल सेल ही ले लिया एनोड पे ऑक्सीडेशन बोले तो ये तुम्हारा जेड एन कन्वर्ट हो जा रहा था जेड एन टू पॉजिटिव में और ये दो इलेक्ट्रॉन एक एनोड पे एक रिएक्शन होती है दूसरे एनोड पे दूसरी रिएक्शन होती है तो अलग अलग अगर मैं एनोड की रिएक्शन लिख दूं या फिर अलग अलग एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिख दूं तो मैं उसको हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन बोलता हूं तो ये एनोड पे जो हो रही है उसको मैं बोलता हूं हाफ हाफ ऑक्सीडेशन या फिर बोलो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यह है मेरी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यही जब मैं कैथोड के पास जाऊंगा देखना जब मैं कैथोड भाई साहब के पास गया कैथोड में क्या होगा रिडक्शन किसका होगा सी यू टू पॉजिटिव पॉजिटिव ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा देखो दो इलेक्ट्रॉन खा लेगा यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकले ये भाई साहब खा गए खा गए और कन्वर्ट हो जाएगा सी यू सॉलिड में तो ये क्या होगा ये होती है मेरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा पेपर में कभी-कभी पूरी रिएक्शन लिख देगा और बोलेगा गिव द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑफ द गिवन ये ठीक है अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो ये क्या है यहां पे हो रहा है मेरा ऑक्सीडेशन यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और इधर हो रहा है रिडक्शन तो दैट रिएक्शन शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली है ना एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो सेम रिएक्शन में तो मैं उसको रेडोक्स बोलता हूं ध्यान रखिएगा सारी जो गैल्वनिक सेल में जो रिएक्शन होती है वो रेडोक्स रिएक्शन ही होती है पूरी केमिस्ट्री जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो मेरी रिडोक्स रिएक्शन पे चलती है दोस्त ध्यान रखिएगा इतनी चीज अगर समझ आ गई है तो मुझे बता दीजिए फिर अपन बढ़ते हैं आगे क्लियर है बढ़िया बढ़िया तो ये था मेरा रिडॉक्स के बारे में कहानी हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन समझ आ गया होगा तुम लोगों को क्लियर है अपन बढ़ते हैं आगे अब आ गया है जो सॉल्ट ब्रिज मैंने बीच में बोल दिया था कि अभी मैं तुम्हें फंक्शन बताऊंगा तो देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट और बेसिक फंक्शन सोल्ट ब्रिज का है कि ये मेरी इलेक्ट्रो न्यूट्रेलिटी मेंटेन करके रखता है मतलब मान लो कि एनोड पर मेरा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है ठीक है और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा वहां पर थोड़े से पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर देगा ताकि इलेक्ट्रो न्यूट्रेलिटी मेंटेन रहे ऐसा ना हो कि एक जगह पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया एक जगह नेगेटिव चार्ज हो गया फ्लो हो ही नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो इस वजह से अपन इसको यूज करते हैं ठीक है और अगर तुम्हें प्रॉपरली देखना है तो इधर देखो देखना क्या लिखा हुआ है सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज इज यूजली एन इन्वर्टेड यूट्यूब अभी मैंने दिखाया था इनवर्टेड विद अ विद्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट इनर्ट है रिएक्शन नहीं करते हैं ये है ये रही इनर्ट ट्यूब इसको मैं सॉल्ट ब्रिज बोलता हूं ठीक है इट इज यूज टू मेंटेन द चार्ज बैलेंस एंड टू कंप्लीट द द सर्किट बाय फ्लो ऑफ थ्रू इट ये क्या करता है यहां से इलेक्ट्रॉन उठाए यहां पहुंचा दिए यहां से प्रोटोन उठाए यहां पहुंचा दिए ये बस लेन देन का काम करता है जैसे अमेरिका है अमेरिका क्या, क्या करता है कि भैया यहां से वेपन उठाए उधर से वेपन पहुंचा दिए वॉर शुरू हो गया वो अपना आराम से बैठा हुआ है वो पार्टी से बैठ नहीं करेगा है ना

Like के एम के एन ओ थ्री के एस ओ फोर आर मिक्सड इनर्ट जो जेल होती है वो कभी कभी अपन एगार एगार gel भी ले लेते हैं पर एनीवे anyway, जो क्वेश्चन बनता है वो आता है कि भाई इसका फंक्शन क्या होता है तो ध्यान रखिएगा ये मेरा चार्ज बैलेंसिंग में काम आता है और टू कंप्लीट द सर्किट क्लियर है स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लो नहीं तो आप लोग नोट्स तो बना ही रहे हो नोट्स बनाते हुए चलना भाई है ना नोट्स नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा आगे बढ़ते हैं आते हैं नए टॉपिक पे दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल वर्ड आया है ग्रीक वर्ड पोटेंस 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 और potence का मतलब होता है पावर ठीक है तो यहां पे हम लोग चेक करते हैं इलेक्ट्रोड की पावर ठीक है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड में कितनी पावर है अब इलेक्ट्रॉन में किसकी पावर है इलेक्ट्रोड में किसकी पावर है वो कैसे मालूम पड़ेगा देखो इलेक्ट्रोन पोटेंशियल होता क्या है आपको पता है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है एक है एनोड एक है कैथोड एनोड पे ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्शन तो इन दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एनोड मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेरा वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा भाई कहीं मेरे आइंस ज्यादा होंगे कहीं आइंस कम होंगे तो वो जो मेरा डिफरेंस क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रोड के बीच में उसको मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलता हूं ठीक है आ जाओ इधर उस चीज को इधर से समझ लेते हैं देखो नोट्स में तुम्हारे चकाचक बनवा दूंगा और नोट्स बनाना ऐसा मत करना कि सर तो मैं तो पीडीएफ दे ही दूंगा तो तुम यहां से पीडीएफ पूरी उठा के आराम से पीडीएफ तुमने अपनी गैलरी में सेव कर ली क्या यहां जब पढ़ना होगा तब पीडीएफ खोल के पढ़ लेंगे ना दोस्तों ये क्या है कंप्यूटराइज लिखा हुआ है टाइप किया है मैंने अगर तुम भी टाइप करके ऐसे टाइप करी हुई चीज़ें पढ़ने लगे तो दोस्त वो दिमाग में थोड़े टाइम के लिए रहेंगी जब तक तुम्हारे वो लिखोगे नहीं जब तक तुम्हारी मसल मेमोरी क्रिएट नहीं होगी कि अरे मैंने लिखा तो था तब तक तुम्हें चीज़ें ध्यान नहीं रहेंगी चाहे तुम कितना भी तुम्हारा वो हो के सर मैं तो रट लेता हूँ नहीं कर पाओगे समझने वाली चीज़ें अगर रटोगे तो दोस्त बहुत कम टाइम तक ही तुम्हें चीज़ें ध्यान रहेंगी आ जाओ इधर है क्या ये मेजरमेंट है जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है इस द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल फॉर इक्म देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस है ना पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड देखो अब यहां से सुनना जो मेन बात है जो मेन बात है वो यहां से सुनिए क्या लिखा हुआ है व्हेन टू इलेक्ट्रोड आर डिब्ड इन देयर रिप्रेस्पेक्टिव आयन टेंडेंसी ऑफ वन ऑफ द इलेक्ट्रोड है ना वन ऑफ द इलेक्ट्रोन टू अंडर को एक मेरा ऑक्सीडेशन करेगा एनोड वाला और दूसरा मेरा रिडक्शन करेगा जिसको मैं कैथोड बोलता हूं और वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दट दिस टेंडेंसी ऑफ लूजिंग ए इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक ने गेन किया एक लूज कर रहा है तो यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसको मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलता हूं और ध्यान रखिएगा आई के अकॉर्डिंग आई यू एक सोसाइटी है जो केमिस्ट्री के, के कुछ रूल्स बनाती है और मतलब सारे ही रूल्स बनाती है फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कोई नई खोज कर दी कुछ नया इन्वेंट कर दिया जैसे मान लो तुमने कोई नया एलिमेंट इन्वेंट कर दिया तो तुम आई के पास जाओगे और उनको बोलोगे भाई देखो मैंने एक नया एलिमेंट खोज किया है तुम भैया मुझे प्राइज दो नोबल प्राइज दो बोलेंगे अरे रुक जाओ रुक जाओ बोलेंगे पहले तो आई यू में तुम कुछ खोज करोगे तो नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा और पहले मुझे टेस्ट टेस्ट करने दो है ना उसको होगा फिर देखा जाएगा कि भाई तुम लोग वही एलिमेंट लेके आए हो या फिर कुछ इधर उधर से कोई कंकड़ वंकड़ उठा के ले आए हो समझ आया तो अकॉर्डिंग टू आई यू जो मेरे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको मैं रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही लिखता हूँ क्या कहने का मतलब है देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो मेरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है सुनिएगा ध्यान से जो मेरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ठीक है वही मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो मैं उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकता हूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बस अगर इतना समझ गए हो तो अपन बढ़ते हैं आगे तो इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे क्वेश्चन भी करेंगे बिना क्वेश्चन किए कैसे कर पाओगे आ जाओ आगे आ जाओ अब देखो स्टैंडर्ड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन सीख गए अब निकालते कैसे हैं निकालने का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है वो होता है मेरा ई राइट माइनस लेफ्ट तो यहां पे लिखा हुआ है लेकिन ध्यान रखिएगा राइट माइनस लेफ्ट मतलब जो राइट right में होता है right राइट में क्या होता है कैथोड तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड ये फॉर्मूला अपने नसों में उतरवालों के भाई ये मैं कभी गलत नहीं करने वाला

सेल e निकालो इस रिएक्शन का तो इस रिएक्शन को अपन पहले आधा आधा करते कन्वर्ट हो रहा है कि इसमें positive में और यहां से इसने दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले यही जब मैं Ag की बात करूंगा देखो Ag ये एजी प्लस ये कन्वर्ट हो रहा है Ag में इसका मतलब क्या है इसने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया और ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारा ए जी सॉलिड ए जी सॉलिड में यहां दो इलेक्ट्रॉन है यहां एक इलेक्ट्रॉन है तो मुझे इसमें दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब देखो Cu से Cu2 टू पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन ये भाई साहब करते हैं तुम्हारा रिडक्शन सही है ठीक है तो अब क्या आएगा यहां से ट्वाइस ऑफ ए जी पॉजिटिव है ना ट्वाइस ऑफ ए जी पॉजिटिव गिवस आउट यहां पे दो इलेक्ट्रॉन लिख देना प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट टॉइस ऑफ एच अब ये दे रखा है अब कोई तुमसे पूछे कि भाई ई e सेल निकालो तो आ जाओ ई e सेल निकालते हैं अब देखो ई e सेल क्या होता है ध्यान से सुनिएगा ई e सेल क्या होता है ई कैथोड ई कैथोड माइनस ई एनोड सही है अब यहां से देखो ई e सेल कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है इधर देखना कैथोड पे कौन सी है रिडक्शन वाली ये रहे मेरी रिडक्शन तो क्या होगा एजी प्लस से एजी देखो ई एजी प्लस से एजी और माइनस एनोड अब एनोड पे वाली मतलब ऑक्सीडेशन और यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन तो सीयू से सी यू टू पॉजिटिव तो यहां पे आ जाएगा माइनस का ई सी यू टू पॉजिटिव से सी यू ये लो बता देना अगर तुम्हारी ये वाली चीज क्लियर हो गई है तो बोलो हमेशा ध्यान रखना यहां जो मैं E नोट लिखूंगा जो डिडक्शन लिखूंगा वो मेरे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए तभी देखो मैंने Ag प्लस से Ag लिखा है Cu2 पॉजिटिव से Cu लिखा है समझ में आया तुम ये मत करना कि एनोड है तो तुम सी यू से सी यू टू पॉजिटिव कर दो नहीं मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लिखने हैं रिडक्शन मतलब जो इलेक्ट्रॉन खा के आता है तो यहां पे देखो इसने इलेक्ट्रॉन खा लिया तभी एजी प्लस से एजी और इसने इलेक्ट्रॉन खा लिया तभी ये प्लस से न्यूट्रल में चला गया है तो मैं जब भी यहां पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालने जाऊंगा ई सेल निकालूंगा तो वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही लिखा होना चाहिए क्लियर है ठीक है अपन बढ़ते हैं आगे आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल एंड इट्स ई सेल पे रुको हम्म अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं अभी तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा खा लूं क्योंकि क्यों सुबह सुबह आ गया था ब्रेकफास्ट लिए नहीं और आ गए पर मैंने सोचा इस हफ्ते ये तुम्हारी शॉट पक्का दूंगा मैं तुम्हें तो इसलिए वादा निभाया है साथ ही प्यार किया है तो वादा तो निभाना पड़ेगा है ना आ जाओ इधर देखो रिप्रेजेंटेशन कोई कहे कि मेरे पास कुछ भी दे रखा है उसको सेल रिप्रेजेंट करो कैसे करते हैं आना मैंने क्या किया देखो आराम से पढ़ाई करो आराम से टेंशन में पढ़ाई नहीं करनी है कि भैया अरे बैठे हुए हैं पूरा माहौल बना के पूरा उसमें वो पढ़ाई कर रहे हैं छुप के चलो के पढ़ाई करो चलो के खाओ पियो पढ़ाई करो और क्या ही है स्टूडेंट लाइफ में और क्या ही होता है तुम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हो ना चीज़ें वहाँ दिक्कत आ जाती हैं ठीक है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है ठीक बहुत बढ़िया आ जाओ दोस्तों अपन सेल को करते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखो मैंने क्या किया अपन उठा के लाते हैं डेनियल बाबा को ठीक है डेनियल को तो जानते हो गए यहाँ है यूजिंग डेनियल सेल एनोड पे ये भाई साहब क्या कराते थे एनोड पे ऑक्सीडेशन कराते थे किसका ऑक्सीडेशन होता था जिंक का जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो जाता था जेड टू पॉजिटिव में प्लस दो इलेक्ट्रॉन सही है कैथोड पे क्या होता था कैथोड पे ये होता था सी यू टू पॉजिटिव ये भाई साहब दो इलेक्ट्रॉन इनके दो इलेक्ट्रॉन खा लेते थे कन्वर्ट हो जाते थे सी यू सॉलिड में ये एक्वस है ये एक्वस हो गया सही है ठीक है समझ में आ गया उसके बाद अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल अब ये सेल रिप्रेजेंट कैसे होता है तो देखो सेल रिप्रेजेंट होता है ए ऐसे इसका मतलब क्या है इसका मतलब होता है एनोड फिर मेरा बीच में आ जाता है ब्रिज वही सॉल्ट ब्रिज ब्रिज और फिर इधर आ जाता है कैथोड ऐसे अपन सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो इस वाले को तुम रिप्रेजेंट कर लोगे तो क्या आएगा देखो एनोड सबसे पहले एनोड तो एनोड पर क्या है ऑक्सीडेशन एनोड पर क्या हो रहा है जेड एन से जेड एन टू पॉजिटिव इसका तुम वो भी लिख देना देखो जेड एन सॉलिड जेड एन एक्वस देन टू पॉजिटिव एक्वस सॉल्ट ब्रिज को अपन दो डंडे से दिखाते हैं ठीक है दो डंडे अगर मैं लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे हैं सॉल्ट ब्रिज उसके बाद फिर आता है एनोड ब्रिज कैथोड कैथोड पे रिडक्शन तो वो मेरा कन्वर्ट हो रहा है किस में देखो Cu2 पॉजिटिव एक्वस एक्वस और यहां से ये आ जाता है मेरा Cu सॉलिड खत्म ये है मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल बोल दो फटाफट अगर समझ आ गया है तो यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल अब ये भाई साहब कुछ और बातें पूछ रहे कह रहे भैया हाथ हाथ लगे हाद, लगे हाद, तुम इसका ई e सेल भी बता दो तो ई e सेल भी बता देते हैं देखो ई e सेल क्या होता है ई e सेल क्या होता है ई नॉट कैथोड इनोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड सही है अगर ये है तो देखो कैथोड पे क्या है कैथोड पे रिडक्शन अब जब रिडक्शन है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में लूंगा दोनों में मुझे रिडक्शन पोटेंशियल ही लेने तो जब रिडक्शन पोटेंशियल लूंगा तो यहां से आ जाएगा ए बी सी यहां से तो ये हो जाएगा सी यू टू पॉजिटिव से सी यू माइनस ई नॉट एनोड एनोड बाबा किधर है एनोड पे रहेगा जेड एन टू पॉजिटिव से जेड एन ये आ गया ई e सेल लेकिन इसकी ना अपन लोगों को वैल्यू भी पता है तो क्या पता हम इसको क्रॉस चेक करके देख लेते हैं क्या ये 1.1 के बराबर आता है क्या क्रॉस चेक कर लें तो जो मैंने पहले वैल्यू बताई थी जो मैंने उल्टा लिख दिया था फिर सीधा किया था तो देखो वो क्या था सुनिएगा इधर से ई e नॉट क्या था वो जेड से जेड पॉजिटिव कितना दे रखा था जीरो वोल्ट और यही E नॉट सी यू टू प्लस से सी यू दे रखा था जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट एक काम करते हैं इसमें पुट करते हैं और निकालते हैं तो जो E सेल आएगा दोस्त कितना आएगा E नॉट सी यू टू पॉजिटिव से सी यू जीरो पॉइंट थ्री फोर जीरो पॉइंट थ्री फोर माइनस अब यह है एनोड यहां पे अगर तुम चेक करोगे तो यह है जेड एन टू पॉजिटिव से जेड एन लेकिन ये मुझे दे रखा है Zn से ZN two positive, उल्टा दे रखा है अगर उल्टा दे रखा होता है तो मैं माइनस साइन लगाता हूं तो मुझे अलग से माइनस लगाना पड़ेगा ये आ जाएगा मेरा 0.76 वोल्ट तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो वही आ गया देखो देखो वो आ गया आ गया तो मैंने इसको ऐसे मार्क कर लिया खत्म किस किस को ये वाली चीज समझ आई मुझे बता दो बहुत बढ़िया चीज है अरे बहुत बढ़िया चीज है बोलो और नोट्स बना लिए तुम लोगों ने नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा तो ये हो गई मेरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल और उसका ई सेल भी मैंने अलग से निकाल दिया है अपन बढ़ते हैं आगे और आते हैं एस एच ई के पास अब ये क्या बवाल है भैया बवाल कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट है देखो जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड ही हो क्या पता आपको एक ही इलेक्ट्रोड दे रखा हो क्या पता आपको एनोड दे रखा हो कैथोड ना दे रखा हो और कैथोड दे रखा हो एनोड ना दे रखा हो तो भैया कैसे करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे तो वहां पे आती है जब कोई नहीं होता तब आती है मेरी शी शी बोले तो शी बोले तो एस एच ई और एस एच ई क्या होता है ये होता है मेरा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहां पे आते हैं शी ठीक है सुनिएगा अब ये शी है क्या सुनना ये एक मेरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ये है सुनिएगा देखो ये सबसे पहले क्या होती है ये एक मेरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और हम हमेशा रेफरेंस किसको मांगते हैं जो मेरा जीरो होना चाहिए तो ध्यान रखना ऐसे में मेरा जो ई नॉट सेल होता है वो होता है जीरो और इसकी जो इक्वेशन होती है वो दिखती है ऐसी ये होता है एच प्लस एक इलेक्ट्रॉन खा लेता है और कन्वर्ट हो जाता है हाफ एच टू ये मेरी गैस है ये एक्व सोल्यूशन में रहता है समझ में आया ठीक है

प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट एम जी सोलिड अगर मैं फुल इक्वेशन लिखूंगा तो यहां पे देखो दो इलेक्ट्रॉन इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मुझे यहां पे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन टू टू जब मैंने दो से मल्टीप्लाई किया तो आ जाओ इधर कितना आ गया अब देखो इसमें दो से मल्टीप्लाई और इन दोनों की मैं जब फुल रिएक्शन लिखूंगा फुल रिएक्शन तो क्या आएगी जब इसमें दो से मल्टीप्लाई किया तो एच टू है ना और प्लस एम जी टू पॉजिटिव गिव्स आउट क्या देगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोन पोटेंशियल मतलब अगर मैं ई e सेल निकालूंगा देखो देखो ई सेल ई सेल क्या होता है ई कैथोड ई कैथोड माइनस ई एनोड है ना और यहाँ से कैथोड पे कैथोड वाली कौन सी है ये रही मेरी कैथोड वाली तो ये रहेगा ई नोट ई नोट यहाँ नोट लगा लेना ठीक है ये रहेगा ई नोट कैथोड पे क्या है एम जी टू पॉजिटिव से एम जी और माइनस ई ए अब देखो ई नॉट ई नॉट आपको यहां पे शी ली है शी है उसका जीरो होता है तो ये हो गया जीरो तो यहां से जो ई नॉट सेल रहेगा ना दोस्त वो मेरा किसके बराबर होगा एम जी टू पॉजिटिव से एम जी के ही बराबर रहेगा बोलो अगर ये वाली बात समझ आ गई है तो बोलो फटाफट बहुत बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया क्लियर है ठीक है तो अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रोड दे रखा है या फिर एनोड या कैथोड दे रखा है तो उसको मैं करोस्पॉन्डिंगली यूज कर सकता हूं शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करूंगा और इसका ई नॉट सेल हमेशा ही शून्य होता है तभी मैं इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलता हूं अगर इतना क्लियर हो गया है तो बोलो समझ आ गया मास्टर आगे बढ़ जा तो मैं बढ़ जाऊंगा फिर आगे ठीक है इसका थोड़ा सा यहां पे बना हुआ है कुछ नहीं होता है यहां से H प्लस की H प्लस और यहां से गैस देखो H2 टू गैस से देते हैं तो बबल्स की फॉर्म में यह बाहर निकलती रहती है बस नॉर्मल ऑब्वियसली ये तुम्हारा बनाने को नहीं आएगा अपन बढ़ते हैं आगे और आते हैं इस क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई में भी आएगा नीट में भी आएगा सीयूईटी में भी आएगा जेई मेंस में भी आएगा एडवांस का क्वेश्चन ये है नहीं तो इस क्वेश्चन के मैं दो ट्रिक बताऊंगा मतलब एक तो है नॉर्मल एक तो अपन जैसे चलते हैं वैसे चलेंगे और एक हमारा वाला ट्रिक अपने घर का ट्रिक ठीक है अपने घर का अपने घर पे कौन सा ट्रिक यूज करते हैं घर वाला मतलब जिससे मेरा आंसर इजीली निकल आए आओ इधर देखो भाई मेरे को ये दे रखा है ये मेरे से ई नॉट सेल पूछ रहा है तो देखो ई नॉट सेल क्या होता है ई नॉट सेल क्या होता है नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से क्लासिकल मेथड से अगर आप चलेंगे तो अपन वही फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज ई नॉट कैथोड नॉट कैथोड माइनस not एनोड ठीक e है तो यहां से कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है देखो एनोड ब्रिज कैथोड एक काम करता हूं मैं यहां पे रिएक्शन भी लिख दे रहा हूं एनोड पे क्या हो रहा है एनोड पे है मेरा जेड एन अरे अरे ये कन्वर्ट हो रहा है जेड एन टू पॉजिटिव में और ये भाई साहब दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहे हैं कैथोड पे जब में आया तो कैथोड पे होगा सी यू टू इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब खा गए और ये कन्वर्ट हो गया सी यू में तो ई नॉट कैथोड तो कैथोड पे क्या होना चाहिए था कैथोड पे अब रिडक्शन पोटेंशियल तो ये होगा मेरा ई नॉट देख रहे हो कैथोड ये होना चाहिए सी यू टू पॉजिटिव से सी यू माइनस और यहां से ई नॉट एनोड एनोड पे ये रहा लेकिन अपन इसको रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते हैं तो ये तो यहां से क्या आएगा Cu2 पॉजिटिव से Cu Cu2 पॉजिटिव से Cu ये वाला देखो Cu से Cu2 पॉजिटिव दे रखा है लेकिन मुझे 2 पॉजिटिव से Cu चाहिए तो इसको मैं करूंगा प्लस ये हो जाएगा 0.34 उसके बाद यहां आ गया मेरा माइनस अब देखो Zn2 पॉजिटिव से Zn मुझे चाहिए और दे रखा है उल्टा तो यहां से आ जाएगा मेरा माइनस का 0.76 वोल्ट ये निकल के आ गया 1.1 वोल्ट एक तो भैया ये वाला मेथड ये भी ईजी है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अब एक अपने अपन घर वाला मेथड यूज करेंगे जिसमें मैंने बोल रहा था कि भैया दस सेकंड में सॉल्व करेंगे मैं यहां से चलूंगा देखो जैसे सेल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना अगर मुझे दे रखी है, मैं वहां से चलूंगा ठीक है सेल रिप्रेजेंटेशन से मैं चला और यहां देखो जेडन से जैसा जैसा मुझे दे रखा है मैं वैसा वैसा प्लस करता हुआ चलूंगा देखो

ये उनके लिए जो मेरा एम सी क्यू में आ सकता है जैसे सेक्शन ए में एम सी क्यू आ जाएगा नहीं तो सी यू टी नीट में तो एम सी क्यू आएगा ही तो आपको इतना ये करने की जरूरत नहीं है यहाँ से चलो यहां से चलो और हर चीज एड करते हुए चले जाओ जेड एन से जेड एन टू पॉजिटिव दे रखा है तो जीरो पॉइंट सेवन सिक्स ब्रिज लगा है प्लस कर दिया और सी यू टू पॉजिटिव सी यू चाहिए मुझे लेकिन उल्टा दे रखा है तो माइनस को साइन हटा के मैं प्लस करके जीरो पॉइंट थ्री फोर कर दूंगा अगर ये ट्रिक मस्त है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा ट्रिक मस्त अगर समझ आ गई है तो और भी जगह अप्लाई करना है अभी मैं तुम्हें एक और ट्रिक बताऊंगा वहां से भी तुम्हें और समझ आ जाएगा ठीक है अपन बढ़ते हैं आगे एक और क्वेश्चन आया है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर कौन सी ट्रिक है कि थ्री पॉजिटिव से टू पॉजिटिव तो गया तो देखो कितना डिफरेंस आया थ्री से टू वन तो यहां से आ जाएगा वन इन टू ए उसके बाद टू पॉजिटिव से जीरो कितना डिफरेंस आया दो का यहां से आ जाएगा टू इन टू और इधर कितना डिफरेंस है तीन का तो देखो क्या आ जाएगा अब अगर तुमसे कोई पूछे नॉट थ्री पॉजिटिव से FE निकालना है तो कितना आएगा प्लस ये टू बी टू बी और डिवाइडेड बाई इनके बीच में कितना डिफरेंस है देखो तीन माइनस जीरो जीरो आ जाएगा मेरा तीन तो इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा आपका ई नॉट खत्म हो गया क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया ट्रिक है समझ में आया बहुत बढ़िया ट्रिक है ईजी बिल्कुल बोलो अगर इतना समझ आ गया है तो तो अगर आपके पास अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा हो थ्री से टू फिर टू से जीरो और पूछ रहा है थ्री से जीरो है ना यहां से यहां की पूछ रहा है तो जितना डिफरेंस है उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ ऐड करके नीचे क्या आएगा नीचे वो आएगा जिसका मुझे निकालना है तीन से जीरो जा रहा है तो मैं डिवाइडेड बाई थ्री कर दूंगा क्लियर क्लियर है अगर क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है अपन फिर बढ़ते हैं आगे आते हैं नए टॉपिक पे नई कहानी स्टार्ट करते हैं जो कि है मेरा नष्ट बाबा। आई होप कि आप लोगों को यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी और यहां से तुम्हारा मतलब वही तीस प्रतिशत तो तुम्हारी चीजें खत्म हो गई है है ना पहला टॉपिक मेरा खत्म हो गया है आ जाओ भाई नष्ट के पास चलते हैं नष्ट कुछ नहीं है तुमने तो मैंने बहुत सुना होगा आज लिख लेते हैं देखो नष्ट क्या होता है नष्ट होता है मेरा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट एन यहां पर आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्लियर और क्या क्या टर्म्स होते हैं क्या क्या टर्म्स है देखो ई नोट तुम्हें तो पता है आर है मेरे गैस कॉन्स्टेंट गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू अगर मैं ऐसा ही में बात करूं तो होती है वो 8.314 जूल पर कैलविन पर मोल उसके बाद आता है टी टी बोले तो टेम्परेचर टेम्परेचर उसके बाद आता है एन एन है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन उसके बाद बचा मेरा एफ एफ तो मेरा फराडे है और इसकी वैल्यू क्या होती है ये होता है मेरा नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो ठीक है अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो वो मेरी नाइन सिक्स फोर एट सेवन होती है पर इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको राउंड ऑफ करके नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो चलाते हैं अब आ जाओ इस क्वेश्चन को अपन पूरा कर लेते हैं ये रिएक्शन मुझे दे रखी है इसमें आ जाओ सेल लगाते देखो क्या बचा अपने पास ई नॉट सेल सॉरी ई सेल इधर ई e आता है ना इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट एक्टेड यहाँ पे अगर मैं आर की वैल्यू लगा दू एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर कैलविन पर मोल और टी स्टैंडर्ड मैंने लगा दिया टू नाइनटी एट कैलविन है ना फराडे बाबा लगा दिए नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कोलाम्ब ठीक है और एक और चीज एंड मैंने एल एन को जब मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो वो मेरा थ्री पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग में कन्वर्ट हो जाता है ये बेस ई e होता है ये होता है बेस टेन तो जब मैं एट पॉइंट थ्री वन फोर टू नाइनटी एट नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इसमें लगा देता हूं तो यहां से जो मेरी इक्वेशन बन के आती है और वही मुझे यूज करनी है वो आती है मेरी ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन डिवाइडेड बाई एन लॉग अब देखो चलो इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट ये ठीक है ये है मेरी नस्ट इक्वेशन इसको ऐसे कर लेना इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है बोलो क्लियर अब इस वाली क्वेश्चन में नेक्स्ट लगाओ तो देखो क्या रहेगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन डिवाइडेड बाई एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग तो वहां पे एन ही है सॉरी <coughs> तो यहां पे मैंने एन लिख दिया लॉग <laughs> अब देखो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड में है और सॉलिड में कॉन्सेंट्रेशन होती नहीं है लिक्विड फेज में मेरी होती है तो जब सॉलिड या गैशियस में आ जाएगा तो मैं उसको लूंगा, तो यहां से by, अब में क्या है? हाँ, वो में है, में है तो मैं उसका कॉन्सेंट्रेशन लूंगा ये हो जाएगी मेरी एम एन टू पॉजिटिव इस वाले क्वेश्चन के लिए बनती है मेरी ये इक्वेशन जो अपन यूज करेंगे वो सीधी सीधी ये वाली इक्वेशन अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है इसका ध्यान रखिएगा इसको मैंने बंद कर दिया ऐसे बोलो अगर ये चीज समझ आ गई है तो, तो ये थी मेरी नष्ट बाबा नष्ट इक्वेशन अपन ने नष्ट कर दी है खत्म हो गई है ठीक है तो ये थी मेरी नस्ट अपन बढ़ते हैं आगे देखो वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं आर की ये मेरे नोट्स थे जब मैं जैम की प्रिपरेशन कर रहा था आईआईटी आई जैम एक एग्जाम है तुमने सुना होगा तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा था तो वहां पे आर की इतनी सारी वैल्यू है पर अपन जो यूज करते हैं वो जनरली यही यूज करते हैं और कभी कभी ये वाली यूज करने को आ जाती है पर ये तो ज्यादा ही हो जाती है अभी तुम्हारे काम की है नहीं पर इतनी सारी आर की वैल्यू होती है ये चीज ध्यान रखिएगा स्क्रीन इसको ले लो तो मैं पता होनी चाहिए ये सारी बात है आगे बढ़ते हैं और डेनियल सेल में नस्टिक क्वेश्चन लगाते हैं आ जाओ आ जाओ लगा लेते हैं डेनियल सेल क्या था एनोड ZN से जेड एन टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन ठीक है ये सॉलिड में ये एक्वस में कैथोड पे क्या था कॉपर सी यू टू पॉजिटिव एक्वस में गिव्स आउट सी यू सॉलिड और भाई साहब दो इलेक्ट्रॉन हमने यहां पे लगाए नहीं जो कि हम हटा के फिर लगाएंगे कैथोड यहां से आ जाएगा सी यू टू पॉजिटिव एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा सी यू सॉलिड में सही है ठीक है अब ओवरऑल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमेशा नष्ट लगती है वो ओवरऑल इक्वेशन में लगाना हाफ हाफ में मत लगा देना तो यहां से आ जाएगा जेड एन सॉलिड प्लस सी यू टू पॉजिटिव एक्वस है ना गेवस आउट यहां आ जाएगा मेरा जेड एन टू पॉजिटिव एक्वस प्लस सी यू सॉलिड क्या नष्ट लगा दी जाए इसमें नष्ट लगा के इसको अब नष्ट कर दिया जाए आओ नष्ट कर देते हैं मैं थोड़ी सही बैठ के लिख देता हूं तो यहां पे जो ई e सेल अब आएगा देखो इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एन अब तुम लोग मुझे एन बताओ तो मैंने आपको बोला था कि एन क्या रहेगा एन मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन तो यहां देखो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए दो दो तो यहां पे आ जाएगा मेरा टू टू और उसके बाद क्या है ई इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनसॉइंट जीरो और यहां पर आ जाएगा लॉग प्रोडक्ट प्रोडक्ट में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो रहेगी वन क्यों भाई साहब ये सॉलिड है तो ये हो तो हो गया वन इसका रहेगा तो देखो जेड एन टू पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड तो यहां से आ जाएगा सी यू टू पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ये बनी मेरी नस्ट इक्वेशन बोलो किस किस को ये वाली चीज समझ आई है फटाफट बोलना फटाफट बोलो ये किस किस को समझ आ गया है ठीक है तो यही था और इसकी मुझे ई नॉट सेल ध्यान है तो मैं लगा देता हूं देखो ई e सेल इसका 1.1 होता है तो 1.1 पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन डिवाइडेड बाई टू बाकी वैल्यूज नहीं पता है तो उसको अपन ऐसे ही रखेंगे जेड एन टू पॉजिटिव ऊपर है ना यस yes. तो लगाना सीख गए नष्ट लगाना सीख गए हो तो अच्छी बात है अपन फिर बढ़ गए हैं आगे आ जाओ फिर आ जाइए चलते हैं अगले टॉपिक पे आओ इस वाले क्वेश्चन से तुम्हें एक दो चीजें समझने को मिलेंगी वो जो मेरा एन है एन में तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि सर यहां पे एन दो है ठीक है यहां दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन देख रो दो इलेक्ट्रॉन इधर दो इलेक्ट्रॉन इधर कैंसिल आउट हो गए तो ठीक है लेकिन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो बोले तो अगर दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो देख लेते हैं उसको कैसे कैसे करेंगे इसके लिए मैंने क्या किया यहां पे लिया एनोड तुम्हारे में क्या दिक्कत हो रही है भाई तुम भी बने रहो थोड़ी देर और एक डेढ़ घंटा और सही तो देखो यहां पे एनोड एनोड ऑक्सीडेशन देखो ये क्या है एनोड ब्रिज कैथोड एबीसी तो एनोड पे ऑक्सीडेशन तो ये क्या होगा देखो Ni कन्वर्ट हो जाएगा टू पॉजिटिव में और ये भाई साहब दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बाहर ये सॉलिड और ये हो गया मेरा एक्वस यही जब मैं ब्रिज क्यों कह लूंगा कैथोड पे आ गया तो कैथोड पे तुम्हारा Ag पॉजिटिव ये भाई साहब एक्वस में है लेकिन इन्होंने एक ही एक ही इलेक्ट्रॉन खाया गलत बात की है यहां से दो निकले यहां से एक ही खाया इन्होंने तो मुझे इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए इसमें इंटू टू करना पड़ेगा और जब इंटू टू करूंगा तो ओवरऑल इक्वेशन आएगी वो देखिएगा आओ तो जो ओवरऑल इक्वेशन आएगी वो आएगी मेरी एनआई सॉलिड एन आई सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ ए जी पॉजिटिव एक्वस है ना गिव्स आउट क्या देगा एनआईटू पॉजिटिव एन आई टू पॉजिटिव एक्वस और यहां से प्लस टू ऑफ ए जी सॉलिड किस किस को यह बात समझ आ गई है बता दो बता दो ठीक है ये बना अब इसमें तुम्हें क्या करना है इसमें नष्ट लगानी है अब तो तुम्हारे लिए नष्ट बहुत इजी हो गई अब तो तुम्हारे लिए नष्ट बहुत इजी अब देखो नष्ट लगाओ क्या आएगा E इक्वल टू नोट सेलोट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन डिवाइडेड बाई कितना आएगा टू देखो टू हो गया ना इंटू टू टू से तो कैंसिल हुआ टू और ये रहेगा लॉग अब देखो इधर ध्यान से सुनना एक दो बातें और बढ़िया सीखने को मिलेंगी ये मेरा सॉलिड है सॉलिड है तो ये तो हो गया वन लेकिन इसको भी तो मुझे देख रहा है तो ये एक्वस है एक्वस है तो ये मैंने ले लिया यहां पे आ गया एन आई टू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई अगर मैं इसमें देखू इन दोनों में तो प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट तो है प्रोडक्ट तो मेरा खत्म हो गया जब मैं रिएक्टेंट के पास आया तो Ni सॉलिड ये सॉलिड है उड़ा दो इसका वन हो जाएगा जब मैं इसके पास आया तो ऑब्वियसली एजी पॉजिटिव रहेगा एजी पॉजिटिव लेकिन दिक्कत आती है कि सर यहाँ पे ये जो टू है इसका जो स्टॉक्यूमेट्री इस है या फिर कोफिशियंट बोल लो इसका क्या रोल है दोस्त ये मेरा पावर पे चला जाता है ध्यान रखना ये मेरा ए जी का होल स्क्वायर हो जाता है तो ये बनता है दोस्त ये है मेरी नस्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल और रिप्रेजेंटेशन से नष्ट ऐसे बनती है हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप नष्ट बनाओगे तो पहले फुल रिएक्शन जरूर लिखना अगर फुल रिएक्शन नहीं लिखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बोलो अगर इतनी बात समझ आ गई है तो फटाफट -फड़ बताना बोलो क्लियर है बढ़िया बढ़िया क्लियर है तो अपन बढ़ते हैं आगे चलते हैं इसमें नष्ट लगाते हैं एक जनरल इक्वेशन में तो अगर आप जनरल इक्वेशन में नष्ट लगाओगे तो यहां से क्या होगा यह होगा मेरा E इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन डिवाइडेड बाई एन एन अब देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन C और इसकी पावर ये जो कोफिशियंट है वो पावर में जाएगा डी इसका कोफिशियंट ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई यहां पे बी तो देखो बी छोटा वाला और जो कोफिशियंट है वो जाता है मेरा पावर में और ऐसे ही ए और इसका कोफिशियंट जाएगा पावर में तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए था कि भाई जो कोफिशियंट है उसका भी रोल होता है ये चीज मुझे बता देना अगर ये बात समझ आ गई है तो क्लियर है फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं देखो जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वन शॉट है तो अब मैं तुम्हारा यहाँ पे बॉर्ड मास लगाऊंगा नहीं लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलूंगा तो देखो ये क्वेश्चन होगा कैसे रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस उसके बाद कैलकुलेट इट्स ई नॉट ई सेल इफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन सेवन वोल्ट तो देखो ये रिएक्शन है इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं रिप्रेजेंट मतलब ये मेरे से क्या पूछ रहे देखो एनोड पर क्या हो रहा होगा एनोड पे ए एम जी एम जी कन्वर्ट हो रही होगी एम जी टू पॉजिटिव में प्लस टू इलेक्ट्रॉन और यही जब मैं कैथोड के पास जाऊंगा तो कैथोड पर क्या हो रहा होगा ए जी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो रहा होगा ए जी सॉलिड में अब यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां दो तो मुझे इससे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल तो जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या आएगा एनोड बोले तो एम जी से एम जी टू पॉजिटिव और फिर आएगा मेरे पास ए जी पॉजिटिव एक्वस से ए जी सॉलिड ये तो हो गई मेरी रिप्रेजेंटेशन ठीक है ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन क्लियर उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा अभी मेरे से ई e सेल और पूछ रहा है जब ई e सेल पूछ रहा है तो इज इक्व टू नॉट अभी लगा के देता हूं मैं से तो देखो क्या रहेगा इज इक्व टू नॉट माइनस टू ई नॉट माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन है दो देख लो दो का वो हो रहा है तो डिवाइडेड बाई टू यहां पर आ जाएगा लॉग और लॉग जब आ गया तो प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट ये रही मेरे पास इक्वेशन तो देखो mg2 पॉजिटिव mg2 पॉजिटिव और यह पे आ जाएगा मेरा डिवाइडेड बाय ag प्लस अब देखो ag प्लस और 2 लिखा हुआ है तो मुझे यहां पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा तो ये हो गया e is equals to, e सेल चाहिए ना e नॉट दे रखा है देखो ये रहा e नॉट डिवाइडेड 0.0591 2 यहां से आ जाएगा log एम जी टू पॉजिटिव अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे ये रही, और इसको सॉल्व कर लेना दोस्त अब है ना इसको सॉल्व कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना इसको मैं क्वेश्चन नंबर वन डाल दे रहा हूं ठीक है इसको सॉल्व कर लेना और मुझे ई e सेल की वैल्यू बता देना जो कि मेरी वोल्ट में ही आएगी ऑब्वियसली क्लियर है अगर इतना क्लियर हो गया तो मुझे बता दो क्योंकि अभी तो और सारी कहानी अपन को करनी है देख लो एक बार स्क्रीन शॉट ले लो अगर लेना हो तो ठीक है ले लो अगर स्क्रीन शॉट लेना है चलो अगर इतना समझ आ गया है तो अब अपन आते हैं एक्लिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है नस्ट इक्वेशन से इक्लिब्रियम कांस्टेंट सुनना थोड़ी सी खा जाए एक तो कल ही थोड़ा सा कोल्ड हो गया रात में है फिर आज सुबह उठ के थोड़ा सा हल्का हल्का लग रहा था क्या हो गया भाई फिर मैं चाय पी सोचा ठीक लगा फिर चाय पी के आ गया मैं लेकिन फिर मज़ा नहीं आया मैंने कहा यार पूरा हंड्रेड परसेंट फील नहीं हो रहा है फिफ्टी सिक्सटी परसेंट फील हो रहा है फिर मैंने एक कोल्ड की दवाई खाई खाली पेट खाली, पर फिर मैंने चॉकलेट खरीद ली तो अब थोड़ा एट्टी टू नाइनटी परसेंट है लेकिन मजा आ रहा है मज़ा आ रहा है थोड़ा सा सर भी घूम रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है ठीक है ऐसा ना नशा सा हो गया कि भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो मजा आना चाहिए और तुम लोग तो पूरे हंड्रेड हंड्रेड टेन परसेंट में बैठे हो तो भाई तुम लोगों को तो अलग ही एनर्जी आनी चाहिए है ना ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है तुम लोग को तो लगता है कि सर ये कहाँ थोड़ा सा नोमेरिकल आ गया वो आ गया अरे ये चैप्टर इतना फ्लो में चलता है ना अभी तक देख रहे हो अगर मैं बोलूँ तो शायद एक सवा घंटा हो गया होगा सवा डेढ़ घंटा हो गया होगा लेकिन फ्लो में चल रही है चीज़ें सब कनेक्टिंग है सब चल रहा है ठीक ठाक तभी तो मजा आता है तो 80, 90 परसेंट में भी अपन को 100 परसेंट देना है अब आ जाओ इधर अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है देखो नेक्स्ट अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा E इज इक्वल टू ई नॉट अरे अरे देखो E सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो अभी शुरू में ही थोड़ा सा ज्यादा लिखने का है मतलब पेन चलाना है आगे तो थ्योरी आ जाएगी अभी थ्योरी वो जो सेल वेल आ जाएंगे वो थ्योरी है कहां से कौन सा आता है वो मैं तो मैं बता दूंगा e cell is not minus यहां आ जाएगा जेड एंड टू पॉजिटिव देखना ये सॉलिड है नहीं लेंगे एक्वा इसको लेंगे ये है ये सॉलिड है तो यहां से आ जाएगा सी यू टू पॉजिटिव अब यहाँ पे हाक्ल्ब्रियम कांस्टेंट क्या होता है इक्लब्रियम कांस्टेंट कुछ नहीं होता है दोस्त ये जो मेरी कंसंट्रेशन है ना ये जब कांस्टेंट हो जाती है बोले तो बोले तो ये कि जब आपका लॉग ये कंसंट्रेशन आपकी कांस्टेंट हो जाती है इसी को मैं केसी बोलता हूं केसी बोले तो इक्लुब्रियम कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ठीक है तो इसको अपन इक्लुब्रियम कॉन्स्टेंट बोलते हुए चलेंगे ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ आया ठीक है अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया है दोस्त तो ध्यान रखिएगा एट के सी के सी पे मेरा ई e सेल जो होता है वो जीरो हो जाता है जब सेल काम करना बंद कर देगा भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया इक्विलिब्रियम आ गया रुक गई है रिएक्शन तो आपका अब ई e सेल जीरो हो जाएगा जब ई e सेल जीरो हो गया तो यहां से अब जो ई नॉट सेल आएगा देखो ये जीरो तो इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 यहां से आ जाएगा लॉग केसी सही है लॉग के सी और इसको कर लेते हैं अपन इधर खत्म जब अपन इसको खत्म करेंगे तो देखो क्या आएगा अब मुझे Kc की वैल्यू निकालनी है ना तो एक काम करो पहले लगते हैं log के सी Kc के सी उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा मेरा ट ऑफ ई नॉट सेल है ना और डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन क्या मैंने सही लिखा है मित्रों क्यों पुत्र सही लिखा है मैंने उधर हाँ बिल्कुल सही है अब देखो के सी मुझे निकालना है तो जब के सी निकालना है तो यहां से के सी निकालोगे तो उधर लॉग है ऊपर जाएगा मतलब क्रॉस करके जाएगा तो यहां से वो मेरी टेन रेस टू दी नॉट सेल डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन हो जाएगा ये लो खत्म खत्म बाय बोल दो बताओ बताओ अगर समझ आ गया है तो क्लियर है तो ये कहानी है दोस्त कहानी मैं समझ में आ जानी चाहिए चलो फिर इसी बात पे अपन बढ़ते हैं आगे और

केमिकल से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी से अगर केमिकल बने तो वहां से आ जाता है मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बस इजी ठीक है कुछ कुछ डिफरेंस है उनको अपन आप देख सकते हो सही है इसको मैं नोट्स में दे दूंगा यार ये नोट्स में दे दूंगा ये फालतू का आप आ जाओ इधर ये क्वेश्चन करते हैं बढ़िया है. आ जाओ आ जाओ भाई इससे पहले डाउन हो जाए सब बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए आ जाओ इधर देखो कांस्टेंट अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वही इज इक्वल टू ई नॉट सेल देखो ई सेल ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन डिवाइडेड बाई कितनी आएगी टू देख लो डिफरेंस यहाँ एक और इधर दो तो दो लॉग के सी अब लॉग के सी है के सी है तो यहां पे ई e सेल मेरा हो जाता है जीरो जीरो और यहां फिर लिखोगे क्या ई नॉट सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन डिवाइडेड बाई टू लॉग के सी शायद ई e नॉट भी दे रखा है वो दे रखा है जीरो पॉइंट फोर सिक्स तो यहां से जीरो पॉइंट फोर सिक्स इज इक्वल टू सी ठीक और जब इतना आ गया तो यहां से क्या आएगा देखो टू इंटू जीरो पॉइंट फोर सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू जीरो पॉइंट फोर सिक्स डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव नाइन वन इज इक्ल्स टू लॉग के सी प्लीज़ इसको सॉल्व कर लेना आपको कुछ नहीं करना है के सी इज़ इक्स टू टेन डेज टू दी इसको सॉल्व कर लेना जीरो पॉइंट नाइन और यहाँ से आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन इसको सॉल्व कर लेना और मुझे आंसर बता देना कैसे लिखाओगे क्वेश्चन नंबर वन का मैंने पूछा था और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर टू कर दिया तो दो के मुझे आंसर चाहिए तुम लोगों के बोलो बोलो अगर इतना क्लियर हो गया है तो क्लियर है तो सही है अपन फिर बढ़ते हैं आगे आ जाओ अब देखो ये भी वही सेम क्वेश्चन है ठीक है अब यहां पे बस ये पूछ रहा है मेरे से गिब्स फ्री एनर्जी अब अगर गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है तो एक नया फॉर्मूला ध्यान रखिएगा और वो जो नया फॉर्मूला है वो है मेरा डेल जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल और यहां आ जाएगा माइनस देखो एन कितना है 2 2 इन टू, टू ये क्या है फराडे नाइन सिक्स डबल जीरो इन टू ई नॉट दे रखा है क्या 1.1 ये आ जाएगा मेरा 1.1 तो ये होता है मेरा गिब्स फ्री एनर्जी एनर्जी है तो ये जूल में रहेगी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दोस्त फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आपका आ सकता है देखो ये फॉर्मूला बनता कैसे है तुमने नष्ट लगाया तुमने नस लगाई नस से आपने ई नोट निकाला और नस से आपने ई नोट निकाला फिर वहां से डेल जी तो यहां से भी वो क्वेश्चन बना सकता है क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है तो ध्यान रखिएगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों क्लियर है बढ़िया फिर अपन बढ़ते हैं आगे चलो भाई आ जाओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन कर ले देख रहे हो ये बढ़िया क्वेश्चन है ये 2019 में आया है मतलब सारे तुम्हारे पी वाई क्यूज हैं देखो इधर आ जाओ कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ई आ गई इन कॉन्टेक्ट इज टेन देखो पी एच मुझे दे रखा है दस आपको पता है क्या होता है माइनस लॉग एच प्लस ये हो जाता है मेरा दस तो यहां से अगर मैं एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा मेरा टेन रेस्टिपार माइनस टेन एम सही है अगर मैं एस एच ई की बात करूं एस एच ई तो एस एच ई क्या होता है एस एच ई में मेरा वही एच प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन खा के नहीं तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एच प्लस एक्वस एक इलेक्ट्रॉन खा के ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा हाफ एच टू और ये है मेरी गैस क्लियर क्लियर है ठीक है कलर कैसा लग रहा है ये सही है अब देखो इधर अब मैं इसमें नष्ट लगाऊंगा इसको नष्ट लगा के क्या करेंगे नष्ट करेंगे नष्ट करेंगे नष्ट कर अब देखो नष्ट हो गए तो देखो क्या आएगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन खाए एक वन लॉग अब देखो लॉग जब मैंने लगाया तो यहां पे ये क्या है गैशियस एडम और यहां पे जो प्रेशर होगा वन एटीएम तो उसको मैंने वन ले लिया डिवाइडेड बाई ये हो गई मेरी एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है ना अब देखो

और आपको एक चीज पता होगी कि अगर log x रेस टू दावर y है तो ये क्या हो जाता है y log x। अगर इतना हो जाएगा तो ये कैसे लिखोगे माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन वन टेन देखो तो क्या गया इंटू टेन लॉग टेन और आपको पता है log टेन वन होता है तो यहां से जो e सेल निकल के आएगा टेन का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो वो आएगा माइनस का जीरो पॉइंट फाइव नाइन वन वोट इसको तो मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया क्लियर किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया है बता दीजिएगा बढ़िया क्वेश्चन है पेपर में आ सकता है प्लीज गलत मत करना एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ जाएगा लेकिन पर न्यूमेरिकल है तो वो तुम्हारा हां कभी कभी दे देता है एमसीक्यू फॉर्म में पर आपका सेक्शन सी में रहेगा ये क्वेश्चन बताओ अगर इतना क्लियर हो गया है तो क्लियर है अगर क्लियर है तो अपन आते हैं एक नई कहानी के पास अपना फिफ्टी सिक्स परसेंट कंप्लीट हो गया अभी अपना अपना कंडक्टेंस कंडक्टेंस बचा है है करेंगे और अपना है ना फराडे लॉ आ जाएंगे फिर तो मेरी बैटरी वैटरी चलेगी तो अपना एक घंटा और मान लो है ना एक घंटा और मान लो चलो भाई बढ़ते हैं आगे और आते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कोई भी अभी इतना जल्दी हार नहीं मानेगा ठीक है अगर बीच में वीडियो देख रहे हो थोड़ा बहुत आ, ब्रेक चाहिए है ना तो आप लोग अपना वीडियो पॉज करके ब्रेक लो यहाँ कोई ब्रेक नहीं है यहाँ तो जब तक करेंगे नहीं जब वही दशरथ राव सिंह मांझी का मांझी मूवी देखिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो जब तक पूरा करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आ जाओ तुम लोग वीडियो पॉज करके अपना ब्रेक ले लो लेकिन ब्रेक लेके वापस आ जाना इधर कंडक्टेंस कंडक्टेंस मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टेंस होती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है तो वो किसके स्पेक्ट्र पर डिपेंड करती है आ जाओ इधर देखो कंडक्टेंस से पहले सबसे पहले आती है मेरी रेजिस्टेंस तो जो मेरा रेजिस्टेंस होता है जिसको मैं आर बोलता हूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के तो जितने ज्यादा जितनी लंबी मेरी लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस आपने फिजिक्स में भी बढ़ाया मतलब ये फिजिक्स का ही पार्ट है वैसे लेकिन थोड़ी सी केमिस्ट्री भी इसमें आ जाती है उसके बाद आपका जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर जैसे जो वायर है मैंने एक वायर बनाया देखना ये मेरा वायर है ठीक है कही ऐसा ऐसे कैसे वायर अरे ये लो अब ठीक है अब वायर है ये जितना लंबा मेरा वायर जितना लंबा मेरा वायर अब भाई जितना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा उतना ज्यादा थकेगा ना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस और ये है मेरा क्रॉस सेक्शन जितना मेरा मोटा होगा मोटा मान लो टनल है टनल जितनी ज्यादा मोटी है तो उतना इजिली मेरा करंट फ्लो करेगा और करंट अगर इजिली फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस मेरा ऑपोजिट रहेगा तो इन दोनों को अगर मैं लगा दूंगा तो यहां से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए है ना इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख देता हूं यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है और यहां से जो एल है एल है मेरी वो है लेंथ ऑफ वायर अब देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल कांस्टेंट आता है और जो यहां आता है वो होता है मेरा रो रो इसको मैं रेजिस्टिविटी बोलता हूं रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो यहां से एक फॉर्मूला तो मेरा बन गया ये अब आना इधर ये है मेरा रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस तो जब मैं वन बाई आर करूंगा मैंने वन बाई आर किया तो यहां देखना जब मैंने वन बाई आर किया तो यहां से ये क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑपोजिट कर दो वन बाई रो और ये हो जाएगा मेरा ए एल सही है अब ये जो वन बाई आर है देखो आर है मेरा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा मतलब वन बाई आर वो हो जाता है मेरा कंडक्टेंस जिसको मैं जी से दिखाता हूं तो जी इज इक्वल टू अब वन बाई रजिस्टिविटी क्या कह रहा भाई अब देखो वन बाई रो वन बाई रो होता है मेरा कापा और ये जो कापा होता है वो होता है कंडक्टिविटी भाई बहुत सारे फॉर्मूले मैं तुम्हारे बनवा रहा हूं सुनते हुए चलना कंडक्टिविटी तो जी वन बाई रो है मेरा कंडक्टिविटी ये हो गया मेरा कापा और एक चीज और सुनिएगा यहाँ पे ये जो एल बाई ए होता है ना इसको अपन बोलते हैं सेल कांस्टेंट क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा भाई वायर है लेंथ कांस्टेंट रहेगी एरिया कांस्टेंट रहेगा तो एल बाई ए और एल बाई ए होता है मेरा जी स्टार तो जी स्टार होता है मेरा सेल कॉन्स्टेंट अब अगर तुम देखोगे इधर तो यहां पे ये मेरा a by l है a by l है तो देखो l a होता है ना तो यहां से आ जाएगा मेरा 1 g स्टार सही है अगर मैं इसको सही से लिख दूं तो ये हो जाएगा मेरा कापा is equals to g g स्टार बोलो किस-किस को ये वाली चीज समझ आ गई है तो जो फॉर्मूलेस क्रिएट हुए जो इंपॉर्टेंट है जो है मेरा एक ये 1 ठीक है और एक है ये टू कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कापा इज इक्व टू जी जी स्टार वेयर जी स्टैंड फॉर कंडक्टेंस है ना लिख देता हूं मैं जी इज इक्स टू कंडक्टेंस है ठीक है अब एक बार ये सारा फिर से रिवाइज कर लेते हैं आर है रेजिस्टेंस।, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जितना लंबा मेरा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट ऑपोजिट ऑपोज करेगा उसके बाद जितना मोटा वायर करंट मेरा इजीली फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस मेरा क्रॉस सेक्शन के ऑपोजिट रहता है अब देखो ये एरिया है और एरिया ऑफ सर्किल अगर आप ये देखो मान लो ये मेरा वायर है है ना चलो थोड़ा सा लंबा वायर लेना नहीं है ज्यादा हो जाएगा मान लो ये मेरा वायर है ठीक है ये वायर है तो ये क्रॉस सेक्शन है क्रॉस सेक्शन क्या है सर्किल है तो जब मैं एरिया निकालूंगा तो वो मेरा पाई पाईआर स्क्वायर से आ जाएगा खत्म ठीक है उसके बाद ये रो आया रो मेरा रेजिस्टिविटी है ठीक है उसके बाद वन बाई रो रेजिस्टिविटी वो मेरी कंडक्टिविटी हो जाती है जिसको मैं कापा से दिखाता हूं अगर मैं के की के की नीचे वाली टांग वन बाई रजिस्टेंस वो मेरा, तो to... तो मेरा कंडक्टेंस है वही मुझे चाहिए था तो यहां से निकल के जो आया वो कापा इज इक्वल्स टू जी जी स्टार मेरा निकल के आया इसका स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि फिर मुझे बढ़ना है आगे स्क्रीनशॉट ले लिया ठीक स्क्रीन शॉट ले लिया है तो अपन बढ़ते हैं आगे ये कुछ वैल्यूज है ये कुछ वैल्यूज है देखो मेटेरियल की अब आपको पता है कि जो मेटल है मेटल पर इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया तरीके से कंडक्ट होती है लोहा हो गया जितने भी जितनी मेटल्स है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट होती है तो देखो यहां पे अगर तुम देखोगे तो कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा है देख रहा इधर यहां पर टेफलॉन ये तो इंसुलेटर्स है इधर देख रो थ्री पॉइंट कॉपर की ठीक है ये प्योर वाटर है ठीक है प्योर वाटर है प्योर वाटर में तो होती नहीं है क्योंकि नो आइंस इसमें आइंस ही नहीं होते यही इधर देख रो सोडियम मेटल 2.1 कितनी ज्यादा सबसे ज्यादा सिल्वर की तुम तो बोलोगे सर सबसे ज्यादा सिल्वर की है तो हम लोग सिल्वर के वायर क्यों नहीं यूज करते कॉपर वायर से क्यों यूज करते हैं अरे भैया है, सिल्वर महंगी भी तो है मालूम पड़े तुमने चांदी के तार पड़वा दिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया फ्लो हो लेकिन वो बेचारे हुआ क्या कि तुम्हारे तार ही गायब कर दिए वायर ही गायब कर दिए तो लेकिन थोड़ा सा कम रहता है कॉपर का पर अपन कॉपर के वायर यूज करते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल है सस्ता है अब जो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो सस्ती तो रहेगी ठीक है क्लियर और यही जब मैं आयरन की बात करूं तो ये सब है इंसुलेटर्स इंसुलेटर क्या है इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है देख लो माइनस सिक्सटीन माइनस एट्टीन प्योर वाटर माइनस फाइव ठीक है और वही अगर मैं केसीएल डाल दिया थोड़े से आइंस बढ़ जाएंगे तो थ्री पॉइंट वन ये बढ़ती रहेगी सेमी कंडक्टर्स है कभी कभी कंडक्ट करते हैं कभी नहीं करते हैं डिपेंड्स ऑन देयर बैंड ठीक है इंसुलेटर और कंडक्शन बैंड पे उनका डिपेंड करता है ठीक है तो मैं जो मेरे मटेरियल्स हैं वो कर, वो कंडक्टर्स इंसुलेटर्स और कंडक्ट और क्या बचा मतलब इंसुलेटर्स कंडक्टर्स और मेरे सेमीकंडक्टर्स किस पर डिपेंड करते हैं वो मेरी कंडक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं सारा कुछ कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है क्लियर और जो कंडक्टिविटी की वो यूनिट होती है वो मेरी साइमन पर मीटर होती है कंडक्ट साइमन कंडक्ट साइमन और यहां से मेरा साइमन पर मीटर आ जाता है बोलो अगर इतना क्लियर हो गया है तो अपन बढ़ते हैं आगे और कुछ पॉइंट्स है सुनिएगा कंडक्टिविटी और किस किस पॉइंट्स पे डिपेंड करती है तो थोड़ी सी थ्योरी है थोड़ी सी थ्योरी है फटाफट देखते हैं क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड मेटलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो दो होते हैं एक होता है मेरा आयनिक कंडक्टेंस और एक होता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या फिर मेटलिक कंडक्टेंस तो मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और जो आयनिक होता है वो आयंस की वजह से होता है एन ए प्लस सी एल नेगेटिव ठीक है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अब द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्ट डिपेंड्स ऑन किस किस पर डिपेंड करता है मेट, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल ऑब्वियसली कॉपर है तो ज्यादा आयरन है तो कम और अगर सिल्वर है तो और ज्यादा उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एन ए पॉजिटिव है और यहां पे मेरे पास एमजी टू पॉजिटिव है तो ये ज्यादा कंडक्ट करेगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सरफेस ऑन सरफेस ऑफ मेटल जो भी मेटल है वो इंक्रीजेस भाई मेरे लिए इजीली डोनेट इजीली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कराने के लिए सरफेस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और सरफेस पे मतलब बाहर वाली शेल में जब शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इजीली कंडक्ट कराएगा टेम्परेचर इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा कंडक्टिविटी मेरी डिक्रीज होगी समझ में आया क्यों कंडक्टिविटी बोल लो या फिर टेम्परेचर इंक्रीजेज देखो ना ऐसे कर लो ना देखो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेरा रजिस्टेंस इंक्रीज होता है रजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मेरा कंडक्टेंस जो कि मेरा जी होता है वो डिक्रीज होता है रीजन तुम लोग को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ जाओगे आपने टेम्परेचर बढ़ाया जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं वो तुम्हारे एटम्स हैं ठीक है मतलब एक पार्ट है अब होगा क्या जब आपने एड मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत जल्दी मूव करने लगेंगे स्पीड बढ़ेगी ना भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो अब उनके बीच में कोलिजन बढ़ेगा और हम ये ऐसा नहीं चाहते हम तो ये चाहते हैं कि भाई वो ईजिली फ्लो करें ऐसा ना हो कि वो कोलिजन कोलिजन करके आगे बढ़े तो उनके बीच में कोलिजन पर मिनट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब कोलिजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा जब कोलाइड करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे एनर्जी रिलीज करेंगे तो मेरा वायर गर्म हो जाता है बात समझ आई तो ठंडों में बोलते नहीं है कि ठंडों में, में मेरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होता है गर्मियों में लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होता है अगर मैंने मान लो थाउजेंड मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी गर्मी में दी तो मुझे मिलेगी कुछ नाइन हंड्रेड और वही अगर ठंड में बोलूंगा तो वो मेरी नाइन नाइनटी मिलती है तो इसलिए ठंडों में लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होता है गर्मियों में लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होता है और आपने सुना भी होगा कभी कभी जो मोटे मोटे वायर्स होते हैं है, उन उनमें से गर्मियों में आवाज तक आने लगती है इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं सुना होगा आपने hm..., ऐसी आवाज़ आती है तो वो हो क्या रहा है इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है वही अगर तुम वायर ठंडा होगा ठंडों में आवाज़ बहुत कम आएगी कभी देख लेना नहीं एप्लीकेशन पार्ट है एप्लीकेशन पार्ट है ठीक है अपन बढ़ते हैं आगे कुछ और टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं देखो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या मेटलिक कंडक्टेंस अपन ने पीछे देख अब आते हैं आयनिक कंडक्टेंस वाली पे देखो क्या लिखा हुआ है द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आइंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ठीक है जो आइंस होते हैं फॉर एग्जांपल NaCl ए सी एल हो गया एच टू हो गया वो आया आयनिक कंडक्टेंस ये किस पर डिपेंड करता है ऑब्वियसली कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है NaCl है या फिर एम जी सी एल टू है यहां से जो आइंस निकलेंगे वो निकलेंगे दो यहां से जो आइंस निकलेंगे वो निकलेंगे तीन तो ऑब्वियसली मेरा ये ज़्यादा कंडक्ट करेगा ठीक है उसके बाद साइज ऑफ आइंस अब साइज अगर आपका साइज छोटा होगा तो ईजिली कंडक्ट करेगा तो साइज डिक्रीजेस हाइड्रोजन है इजिली आयन में मूव करेगा इजिली मूव कर पाएगा तो, size decreases, तो आपका आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीजिस उसके बाद द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी विस्कोसिटी का मतलब होता है गहरापन मतलब गाढ़ापन सॉरी गहरापन क्या बोल रहा हूँ गाढ़ापन तो जितना अगर गाढ़ा है गाढ़ा है तो अब वो ईजिली मूव नहीं कर पाएगा ना अरे तुम अगर किसी दलदल -दल में फंस गए तो तुम नहीं निकल पाओगे यही अगर तुम पानी में गए हो तुम आराम से तैर के बाहर निकल आओगे तो वही है ठीक है तो विस्कोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो आयनिक कंडक्टेंस मेरा डिक्रीज होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगी तो मेरे आयंस इंक्रीज करेंगे आयंस इंक्रीज करेंगे तो आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगा उसके बाद टेम्परेचर इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्यों देखो यहां क्या है यहां अब वायर में तो चीजें है नहीं अब यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, है ना बकेट में है तो जब बकेट में है आपने टेम्परेचर बढ़ाया उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपका आयनिक कंडक्टेंस बढ़ता है इंपॉर्टेंट चीज है इंपॉर्टेंट चीज है मेटलिक कंडक्टेंस घटता है क्योंकि वो वायर में होता है वायर में कंफाइंड स्पेस होती है लेकिन यही जब मैं आयनिक कंडक्टेंस की बात करूंगा तो यहां पे अगर आप बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे मूवमेंट जल्दी होगा ना जब मूवमेंट जल्दी हो रहा है तो आपका आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज रहेगा तो यहां पर यह चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्लियर है? बढ़िया है, अपन बढ़ते हैं हैं आगे, आते हैं पाई एम या फिर मोलर कंडक्टिविटी पे। मोलर कंडक्टिविटी ठीक है मोलर कंडक्टिविटी कुछ नहीं है एक जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो इसी से लिखी हुई है कि जो मेरा पाई एम होता है वो मेरा कापा कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई कंडक्टेंस होता है देखो डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ठीक है ये मेरा होता है एसआई में या फिर बोलो एमकेएस में और यही जब मुझे सीजीएस में करना होता है सीजीएस में करना होता है, तो मैं कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय सी कर देता हूं ये मेरा फिर सी में कन्वर्ट हो जाता है मतलब सेंटीमीटर वेंटीमीटर में हो जाता है ठीक है ठीक है तो मोलर कंडक्टिविटी एक मोल में कितनी कंडक्टिविटी क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई मेरा इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट कर रहा है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो यहां पर अपन ये सीख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस क्या बोला मैंने मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस अगर इंक्रीज करेगी तो यहां पर मेरा इलेक्ट्रिसिटी या फिर बोलो फ्लो ऑफ करेंट इंक्रीजेस फ्लो ऑफ करेंट इंक्रीजेस का मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्त समझ आ गया समझ आ गया है तो अपन बढ़ते हैं आगे तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हल्का सा हल्का सा क्वेश्चन कर लेते हैं आ जाओ फटाफट जितना भी अभी पढ़ा है अभी तक इस क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा आ जाओ भाई देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो जो दे रखा है अगर जो जो दे रखा है तुमने वो भी सही से लिख दिया ना तो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इसने दे दे दिया कितना दे रखा है मोल पर लीटर सही है एनुअल सोल्यूशन ऑफ डायमीटर देख लो डायमीटर दे दिया पर मुझे रेडियस निकाल लूंगा रेडियस कितनी आएगी जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है देख रहे हो ना लेंथ है पचास सेंटीमीटर ठीक एल है तो मैं यहां से अगर ए निकाल तो वो क्या पा स्क्र तो देखो ये क्या आ जाएगा थ्री पॉइंट का होल स्क् उसके बाद द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अरे इलेक्ट्रिक मैंने मोल पर लीटर में रेजिस्टेंस कहां से लिख रहा हूं ये तो मेरे कहांसेंट्रेशन हो गई ना कॉन्सेंट्रेशन दे रखिये जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोल पर लीटर रेजिस्टेंस यहां आया रेजिस्टेंस यहां पे आया जो है मेरा फाइव पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन एज टू दी पार थ्री ओम पूछ क्या रहा है कंडक्टिविटी मतलब कापा पूछ रहा है और मोलर कंडक्टिविटी मतलब पाई एम पूछ रहा है क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी क्या करना है देखो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए यहां से मुझे रो निकालना है तो जब रो निकालना है रो तो देखो रो निकालना है तो क्या होगा इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल आर ए बाय एल आर ये रहा आर दे रखा है ए मैंने ये निकाल लिया ए ये रहा और एल दे रखा है तो यहां से मेरी आ जाएगी रो <laughs> ठीक है यहां से आ गई रो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती है मेरी वो ऑपोजिट तो यहां से जब मैं कंडक्टिविटी निकालूंगा वो आ जाएगी मेरी वन बाय रो कंडक्टिविटी आ गई देखो कंडक्टिविटी आ गई वन बाय रो कनेक्शन बोर्ड मास्क खुद लगाना रो आर ए बाई एल कापा, कापा क्या होता है वन बाई रो इसका उल्टा उसके बाद पूछ रहा है पाईएम अब पाईएम क्या होता है ये होता है मेरा कापा डिवाइडेड बाई सी तो यहां से कापा इसमें लगा दिया और सी की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो फाइव लेकिन यहां सेंटीमीटर में बातें चल रही हैं तो मैं इसको इंटू हजार कर दूंगा बिल्कुल ईजी है दोस्त और इसकी वैल्यू इधर पुट कर देनी है वन शॉट है इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं तुम लोग भी इसका आंसर दोगे ये क्वेश्चन नंबर थ्री है जिसका तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे बिल्कुल इजी यार जो मेन पार्ट था वो तो मैंने लिख दिया अब बॉडमास नहीं लगा पाओगे दस दसवीं तो छोड़ो क्लास सिक्स सेवंथ एट्थ वाली चीजें नहीं कर पाओगे तो दोस्तों फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा के ये कि भैया आर तुम लोग ये करो फाइव पॉइंट फाइव इंटू टेन थ्री इन ये पूरा इंटू करके डिवाइड बाई एल करो तो दोस्त क्या फायदा जो केमिस्ट्री वाली चीज थी वो मैंने आपको इधर समझा दी है ठीक है ये फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा क्योंकि कनेक्शन आना चाहिए कहां से क्या कनेक्टेड है तो ये फॉर्मुला अगर आप यूज करना सीख गए तो मजा आ जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्योंकि यहां से पूरा कनेक्टिविटी वाली चीजें हैं प्लीज स्क्रीन ले लो जब सेशन खत्म हो जाए जब पूरा देख लो या फिर अभी वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो फिर आगे बढ़िएगा क्लियर चलो फिर बढ़ते हैं अपन आगे आते हैं एक नए वेरिएशन पे मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएबल यहाँ पे जो वेरिएबल आता है वो दोस्त वेरिएशन जो आता है या वेरिएबल बोलो वो रूट सी में आता है क्या फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कैसे आया कहा से आया बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है पाई एम माइनस ए रूट सी। क्लास ट्वेल्थ छोड़ो बी एस सी छोड़ो मास्टर्स तक में वहां पे हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं अभी के लिए तुम्हारे लिए इतना ही काफी है और ये अगर तुम देखोगे तो ये y इज टू सी प्लस एम एक्स से मैच कर रहा है है ना और वाईजक्व टू सी प्लस एमएक्स क्या है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है तो देखो कैसे बनाएंगे इधर से देखना ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनवाना है दोस्त ऐसे और ऐसे मत हुआ करो यार ठीक है भाई थोड़ा टेढ़ा है क्या अरे बिल्कुल सीधा बनाया है भाई आज तो ठीक अब देखो y यहां पे मैंने ले लिया मोलर कंडक्टिविटी उसके बाद यहां मैंने ले लिया रूट c ठीक है ये है मेरा ऑरिजिन जीरो ये है y एक्सेस और ये हो गई मेरी x एक्सेस अगर आप देखोगे तो यहां पे माइनस लगा हुआ है माइनस एम इसका मतलब क्या है स्लोप नेगेटिव में है स्लोप नेगेटिव में अगर होता है वैसे अगर पॉजिटिव में होता है तो ऊपर जाता है ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे होता है तो स्लोप माइनस की तरह आता है तो जब नीचे आएगा तो देखो कैसा दिखेगा जब नीचे आएगा दोस्त तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे इसको कनेक्ट नहीं करूंगा मैं ये ठीक है क्लियर है ये क्या है ये मेरा इंटरसेप्ट है और ये वाली जो <laughs> सॉरी हाँ इधर देखो <coughs> जब मैंने y यहां पे निकाला अब ये क्या है ये आपका इंटरसेप्ट है c है तो ये हो जाएगा मेरा पाई एम नॉट है ना मैं मतलब ये क्या है पाई एम नॉट नॉट होता है तुम्हारा इंफानट वाला अभी मैं तुम्हें नाई नॉट भी समझा दूंगा क्लियर है और जब मैं स्लोप की बात करूंगा जो जो मेरा स्लोप होगा वो होगा माइनस का ए तो इस अगर तुम इसमें चेक करोगे तो मेरा जो मोलर कंसेंट्रेशन देख हो यहां पे मोलर कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो मेरी ओवरऑल कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और ये वाला ये जो ग्राफ होता है ये होता है मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझ में आया कॉन्सेंट्रेशन मेरी अगर मैं देखो यहां से अगर मैं बढ़ाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है ऑब्वियसली और यही जब मैं अगर कोई उसकी बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ आता है वो दोस्त कुछ ऐसा दिखता है ठीक है ठीक है थोड़ा सा और मैं क्लीन बनाने की कोशिश करता हूं वो मेरा कुछ ऐसा होता है ठीक है ये है मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है समझ में आया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट समझते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि वो पूरे पूरे आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं देखो ना मोलर कंडक्ट मोलर कंडक्टिविटी आई है इसका मतलब क्या है कि ये आपकी डिक्रीज हो रही है मतलब पूरा पूरा में कन्वर्ट हो गया जब पूरा पूरा में कन्वर्ट हो गया तो ऑब्वियसली आइंस बढ़ रहे हैं तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी लेकिन यही जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती नहीं है बढ़ती नहीं है फिर जब वो धीरे 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 टूटता है आपको पता है जैसे वीक एसिड की बात करूं एसिटिक एसिड acid है तो वो मेरा पूरा डिसोसिएट नहीं होता ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी ग्राफ ऐसे ही रहता है और यहां पे वो जीरो कभी टच ही नहीं करता है ठीक है एक बार को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बीच में टच कर जाता है ठीक है जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है वो मेरे एक बार को टच कर जाता है लेकिन ये टच नहीं करेगा समझ में आया और इसी ग्राफ को मैंने अगली इस वाली स्लाइड में भी तुम्हारा पूरा समझाने की कोशिश करी है ठीक है इसको ठीक ठीक है ये देख लो देख लो वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो तुम्हारा धीरे-धीरे धीरे-धीरे फिर जाके होगा लेकिन ये एकदम से डिक्रीज मारता है ये ग्राफ आया कहां से है यहां पे मैंने पूरा तुम्हारा बता दिया है पेपर में अगर आ जाए तो प्लीज गलत करके मताना गलत करके मत आइएगा ठीक है क्लियर ये अलग से बना हुआ है अगर तुम्हें नोट्स में अच्छे से चाहिए बाकी यहां पे भी मैंने बिल्कुल साफ बना दिया तो इसकी तुम्हें कॉपी करने की जरूरत है नहीं अगर इतना आ गया है तो अब आते हैं लॉ लॉ ऑफ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन देखो तुमने सुना होगा से कुछ नहीं यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है देखना बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है पहले देख लेते हैं क्या द लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट देखो पाईएम क्या है पाईएम होती है मेरी मोलर कंडक्टिविटी है ना और अभी पढ़े हैं अभी पिछली स्लाइड में ही अपन ने पाईएम नॉट पढ़ा था पाईएम नॉट क्या होता है मेरा ये होती है मेरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी अब सुनना इधर अब सुनना इधर जैसे ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एग्जाम्पल उठाया मैंने उठाया एनए सी एल एन सी एल ही ले लो एन सी एल ठीक है अब आपको पता है ये कैसे कन्वर्ट होगा ये कन्वर्ट होगा मेरा एन ए पॉजिटिव प्लस सीएल नेगेटिव ऊपर भी दे रखा है तो यहां से जब मैं पाई एम नॉट एन ए सी एल निकालूंगा तो ये आएगा मेरा इज इजिक्वल टू देखो इसकी पावर एनए की पावर क्या है प्लस वन है वन है तो मैंने इन टू उसके बाद ये आ जाता है मेरा लेमडा एम नॉट अब अलग है तो नॉट से आ एन ए पॉजिटिव प्लस ये भी वन है तो यहां से वन और ये आ जाएगा इन टू पाई एम नॉट किसकी सी एल नेगेटिव अभी क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हारा पूरा बढ़िया क्लियर हो जाएगा अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा अभी के लिए तुम इसको लिख लो क्वेश्चन आ रहा है बस क्वेश्चन आ रहा है आ रहा है हाँ ये रहा ना क्वेश्चन ठीक है देख लो फटाफट <coughs> ठीक है अब देखो इधर हाँ क्या कह रहा था मैं दो एप्लीकेशन है लॉ के एक आता है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है मैं अगली स्लाइड में तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं यहां पे स्लाइड में पूरा होगा नहीं ए पार्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सुनिएगा ध्यान से कैसे निकालते हैं इसको जिसको मैं एल्फा भी बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है ए आउट बी प्लस सी शुरू में शुरू में इसके पास मालूम थी कॉन्सनट्रेशन सी इसके पास कुछ भी नहीं थी अब इसके पास थोड़ा सा कम होगा तो यहां पे सी माइनस सी एल्फा इसकी आएगी सी एल्फा और यहाँ जाएगी सी एल्फा अब जब मैं इसकी यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा तो देखो वो क्या होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की ये हो गई सी माइनस सी एल्फा यहां से जब आप के निकालोगे तो देखो सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी माइनस सी एल्फा सही है और यही जब मैं कापा निकाला यहां से देख रहा हूं एल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इधर से मैं सी कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा सी वन माइनस एल्फा तो देखो कापा क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एल्फा ये एक फॉर्मूला बना दोस्त ठीक है एक फॉर्मूला तो ये बना जहां से मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से इक्लिब्रियम कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट निकाल सकता हूं और एक फॉर्मुला और होता है दोस्त वो ध्यान रखिएगा एल्फा का जो रहता है वो होता है मेरा पाई एम डिवाइडेड बाय पाई एम नॉट यह भी इंपॉर्टेंट है ठीक है क्लियर है फिर यहां पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वही मेरा आ जाता है तुम्हारा लॉ ही मुझे ये चीज बताता है ऑब्वियसली ऊपर लिखा हुआ है समझ लेंगे इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं मान लो मेरे पास एम जी सी एल टू दे रखा है ये कैसे कन्वर्ट होगा ये कन्वर्ट होगा एम जी टू पॉजिटिव में प्लस वाइस ऑफ सी एल नेगेटिव में ठीक है ठीक है फटाफट देखो भाई फटाफट देखो उसके बाद जब ये टू सी एल नेगेटिव हो गया उसके बाद आएगा आपका अब देखो पाई एम नॉट मुझे इसका निकालना है एम जी सी एल टू का तो क्या आएगा देखो <laughs> सॉरी टू की पावर है तो टू इन टू पाई एम नॉट यहां से आ जाएगा एम जी टू पॉजिटिव से एम जी सही है उसके बाद प्लस प्लस देख रो कहां गया इस वाले से बिल्कुल मैच करना चाहिए हाँ ठीक है ठीक है उसके बाद ये दो है तो टू इन टू अब ये एक ही है तो वन और यहां आ जाएगा पाई एम नॉट सी एल नेगेटिव सी एल नेगेटिव यहां पे पूरा लिखने की क्या जरूरत है एम जी पॉजिटिव कर दो ना सिर्फ ये हटा दो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एम जी टू पॉजिटिव और यहां आ जाएगा प्लस टू इन टू और ये आ जाएगा पाई एम नॉट सीएल नेगेटिव बन गया देखो वो बन गया क्लियर है तो ये कहानी है दोस्त अपन बढ़ते हैं आगे आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेते हैं पूरा सॉल्व हो जाएगा क्या पूछ रहा है पाई एम नॉट अब दो का पूछ रहा है मैं सिर्फ तुम्हारा सी ए सी एल टू का निकालता हूं तो देखो सीए सीएल टू है कहो तो कैसा रहेगा देखो सी ए टू पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ सी एल नेगेटिव तो क्या रहेगा देखो पाई एम नॉट इज इक्व टू सी ए टू पॉजिटिव तो टू इन टू है ना पावर है पावर मुझे लेनी है एक सेकंड देना मुझे यहां पे मैंने पावर वन लिया ना हाँ यहां एक्स ठीक है ठीक यहां पे देखना मैंने यहां पे टू इन टू पावर कर दिया था क्या देखो यहां जो टू पॉजिटिव तो यहां पे ये टू नहीं आएगा ये वाला टू नहीं आएगा ठीक है टू पॉजिटिव तो वहां पे टू नेगेटिव हो चुका है फिर ठीक है ये तो ठीक है ना एक सेकंड देना यार ये क्या ही है टू सी एल नेगेटिव यहां पर आ गया ठीक है हाँ बस अब सही है अब मैंने ठीक लिखा है कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे तो इधर देखना सीएम तो अब देखो इसकी कुछ भी नहीं है तो सीए टू पॉजिटिव का कितना दे रखा है क्या आएगा सी ए टू पॉजिटिव में कंफ्यूजन हो गई थी अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत तुम्हें भी कंफ्यूजन होनी चाहिए तभी मजा आता है सब समझ आ जाए तो भाई कुछ भूल जाओगे इसका मतलब ये है इधर तो यहां से देखो सीए टू पॉजिटिव ये रहा, एक सौ उन्नीस प्लस टू इन टू 2 into CL negative, CL negative मेरा ये है Solve करना है इसको? है और 2 है करना इसको और तो तो देखो 6, 6, 12, 7, 14, 15, तो .6. ये आ गया ठीक और यहां आ जाएगा पॉइंट सिक्स उसके बाद नौ दस ग्यारह वन छः सात पाँच छ सात और यहां से आ जाएगा दो दो सौ इकहत्तर पॉइंट सिक्स ये इधर उधर गलत थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है पर ध्यान रखिएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल क्लियर है इजी है कुछ नहीं है इस चीज का ध्यान रखना ए टू पॉजिटिव तो यहां पे टू सी ए लाएगा टू का मल्टीप्लाई होगा यही जो जो चीज मैं यहां पे कंफ्यूज हो रहा था ठीक है यहां टू नहीं आता है जिसका टू उधर रहेगा चार्ज वाला वो चीज आ जाएगी ठीक है अब अपन बढ़ते हैं अब ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सीधा करना है देखो कंडक्टिविटी द कंडक्टिविटी ऑफ इतना तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो टू एट मोल पर लीटर और कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या होती है कापा ये दे रखा है मुझे फोर पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन एस पर माइनस फाइव साइमन पर सेंटीमीटर पूछ क्या रहा है कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ठीक है डिसोसिएशन कांस्टेंट के सी अच्छा डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है इफ पाई एम नॉट पाई एम नॉट फॉर एसिडिक एसिड वो दे रखा है मुझे 390 पॉइंट 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दो रखा डिग्री ऑफ तो देखो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ रहे हो मजा मेरे से के पूछ रहा है अब देखो क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है दोस्त क्वेश्चन एक नंबर है यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा वो वाला जो मेरा फॉर्मूला था पाई एम इक्वल्स टू सी ये फॉर्मूला था यहां से मुझे कापा दे रखा है ये मेरा कापा है देखो ये जो के है ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है समझते हुए चलना ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है और ये जो कापा भाई साहब है ये है आपका यही तो मेरी कंडक्टिविटी है ये मेरी कंडक्टिविटी है अब आ जाओ इधर से तो मैं निकाल लूंगा तुम्हारा क्या पाएम पाईएम और फॉर्मूलाई पाईएम नॉट सही है बोलो तो यहां से मैं निकाल लूंगा एल्फा यहां से आ जाएगा एल्फा पाईएम आ गया पाईएम इधर पुट किया पाई एम नॉट की वैल्यू रखी यहां से आ गया एल्फा अब इस इक्वेशन पे जाओ क्वेश्चन पे जाओ और इसको सॉल्व करो देखो इधर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त ये दे रखा है मुझे एसिडिक एसिड acid. अब आपको पता है एसिड acid कुछ नहीं होगा मतलब ये पहले सी होगा ये कुछ नहीं ये कुछ नहीं कुछ कन्वर्ट किया तो सी माइनस सी एल्फा ये सी एल्फा और ये सी एल्फा तो जब मैं इसका के निकालूंगा तो के निकालूंगा तो क्या है आपको सी की वैल्यू दे रखी है वो लगा देनी है और अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा देखो अगर अल्फा तुम्हारा अल्फा तुम्हारा बड़ा है आ, से, तो आप 1 माइनस एल्फा को डायरेक्टली वन लिख सकते हो है ना पूरा उड़ा देना डायरेक्टली वन लिख देना क्लियर है तो ये वाली आ जाएगी तो देखो पूरा कनेक्शन है यार सॉल्व कर लेना प्लीज सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत लगाना क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जो आपको सॉल्व करना है पाई एम इज सी इतना समझ में आ गया यहां से जब ये लगा लिए फिर वो मैं अल्फा निकाल लूंगा पाईएम डिवाइड बाई पाईएम इधर से आ गया जब अल्फा आ गया तो मैंने यहां पे तुम्हारा फिर से करा के सॉल्व कर दिया है तो काल्फा तो स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस अल्फा से आपका के के है ये जो कि मेरा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है जिसकी मैंने वैल्यू भी यहां पे तुम्हारी निकलवाई है क्लियर क्लियर है ये हुआ तुम्हारा इस चीज का कॉन्सेप्ट मुझे बता दो अगर तुम्हें अभी तक पूरा क्लियर हो गया है तो प्लीज बता दीजिएगा है ना सही है क्लियर है तो अपन बढ़ते हैं आगे और अब आ गए हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त आ जाओ अब यहां पे उल्टी कहानी चलेगी उल्टी कहानी चलेगी मतलब यहां पे अब मेरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल आ चुके हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल आ चुके हैं इसका मतलब क्या है अब मेरी जो कहानी चलेगी वो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल चलेगी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैं केमिकल जो प्रेजेंट है उनको मैं तोड़ूंगा कैसे करेंगे देखना यहां पे दे रखा है मुझे जो भी है मान लो मेरे तो को दे रखा है एनएसीएल एनए सबसे पहले मान लो मुझे दे रखा है मोल्टन एनएसीएल मतलब पिघला हुआ एनएसएल दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट में ठीक है इलेक्ट्रोलाइट में पिघला हुआ NACL दे रखा है जब पिघला हुआ NACL दे रखा है तो देखना इधर प्लीज यहां से सुनिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं ये है और फराडे है फिर तो मेरा थियोरिटिकल पार्ट पे आ जाएगा अब देखना इधर <coughs> अरे ये भैया इसका तो माइक छोटा है एक तो हा तो आपको पता है एनोड पर क्या होगा एनोड पर खाएगा ये इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा देखो सी एल नेगेटिव ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ सी एल टू में और ये भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा यही जब मैं कैथोड पर जाऊंगा तो ये एन ए पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन इसने जो दिया था वो मेरा ये निकल जाएगा तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी एन ए पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव गिवस आउट हाफ सी एल टू प्लस एन ए यहां पर ये सॉलिड ये गैस है ना गैस है और ये एक्वस और ये एक्वस हो जाएगा सही है ठीक है क्लियर है तो मेरी क्लोरीन गैस एनोड से निकलेगी ये हो गया अब यही यही मैंने क्या किया यही मैंने क्या किया अब ले लिया एक्वस सॉल्यूशन सुनिएगा अब अगर मैंने इको सॉल्यूशन ले लिया है तो यहां पे मेरे पास H2O भी होगा और NaCl भी होगा तो देखना पहले जो एनोड पे मेरा सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन जा रहा था कैथोड पे मेरा सोडियम जा रहा था ठीक अब क्या होगा देखो यहां पे अब मेरे पास H+ प्रेजेंट है और H+ के साथ मेरा Na+ प्रेजेंट है यहां Cl नेगेटिव प्रेजेंट है और Cl नेगेटिव के साथ मेरा OH नेगेटिव प्रेजेंट है बोलो बोलो ठीक है अगर इतना समझ आ गया है तो देखना उसके बाद अब H प्लस और एन ए प्लस में से देख रहे हो इधर पहले सिर्फ और सिर्फ एन ए प्लस था अब H प्लस और एन ए प्लस में से कौन जाएगा कौन पहले जाएगा तो यहां से मेरी एक थ्योरी आती है जिसको मैं बोलता हूं प्रिफरेंशियल प्रिफ्रेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी किसका डिस्चार्ज इजीली होगा शियल डिस्चार्ज थ्योरी आती है यहां से अब ये प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी मुझे बताती है कि एनोड पे कौन सा जाएगा और कैथोड पे कौन सा जाएगा तो देखो H प्लस और एन ए प्लस में अगर मैं बात करूं तो इनमें से कौन सा जाएगा वो चीज मुझे बताएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो चीज मुझे बताएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैसे तो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज जो है वो मैंने कहा है यहां पे पूरी बता रखी है लेकिन अलग से यहां पे मैं तुम्हारा बनाना सिखा देता हूं ठीक है जो जो इंपॉर्टेंट है देखो शुरू कहां से होती है ये शुरू होती है तुम्हारी लिथियम से पो पोटेशियम पो बे ठीक है बेलियम पो बे सर के ना ये तो सर के ना मर गए अल्लू अल्लू मंजन करके मंजन करके फिर आता है तुम्हारा हाय है ना हाय कॉपर पारा चांदी चांदी क्या होता है ए जी हाय कॉपर पारा मतलब हाय कॉपर पारा चांदी पिट गए सोना ये मेटल्स हैं जो इजीली इंपॉर्टेंट है और जिनको मैं ध्यान रखूंगा तो जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो मेरा क्या है रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है आपकी जो एनसीआर में दे रखी है वो मेरी नीचे से ऊपर दे रखी है लिथियम से स्टार्ट है देखो ये वो तुम्हारी लिथियम से स्टार्ट है तो लिथियम से अगर आप जाओगे तो ऐसे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे तो लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो ध्यान रखना रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है

कहां पे हुआ ये हुआ मेरा कैथोड पे अब आते हैं एनोड पे एट एनोड एनोड पे अगर आप देखोगे तो सीएल नेगेटिव और ओ OH एच तो यहां पे ध्यान रखना कुछ कुछ आइंस होते हैं जो मुझे ध्यान रखने हैं सल्फेट नाइट्रेट फिर मेरा ओ OH एच नेगेटिव आ जाता है फिर वही आ, फिर कल बहार तो यहां पे बी आर नेगेटिव आ, फिर कल बहार ठीक है सी एल नेगेटिव बी आर और फिर आता है आई नेगेटिव ये आपको ध्यान रखना है तो अब मेरे पास क्या है ओ OH एच और और है, तो इसमें से किसकी प्रिफरेंस ज्यादा है वो मेरी सी एल नेगेटिव की ज्यादा है इतने ही ध्यान रखो इतने ही काफी है Cl नेगेटिव की ज्यादा है तो ए पर मेरा सी एल नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा हाफ सी एल टू में और यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर तो इन दोनों में कौन सा जाएगा क्लोरीन अब अगर तुम देखोगे तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है और एनोड से मेरी क्लोरीन गैस निकल रही है तो कंक्लूजन निकालते हैं देखना कॉन्क्लूजन निकालते हैं पूरे सेल का कॉन्क्लूजन देखो इधर इधर देखना क्या हुआ एट कैथोड देखो एट ऑफ द रिएक्शन देखना एट दी एंड ऑफ एट द एंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगा हुआ क्या हुआ क्या uh, यहां पे जब मैं एनू कैथोड पे जाऊंगा तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड बाहर निकल रही है इज लिबरेटेड एट कैथोड ठीक है एट कैथोड वेयर एज वेयर एज क्लोरीन गैस देख लो यहां पे क्लोरीन गैस निकल रही है क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड इज लिबरेटेड एट एनोड समझ में आ गया यहां से पूरी कहानी समझ आनी चाहिए एक और क्वेश्चन आता है यहां से एक और क्वेश्चन बनता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन टेल वेदर वेदर द इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिक और बेसिक वेदर द इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिक और एसिडिक तो चेक कर लेते हैं जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा आओ देखते हैं यहां पे अगर तुम चेक करोगे तो मेरा जो कंज्यूम हो गया है वो H प्लस और नेगेटिव कंज्यूम हो गया तो बचा क्या है बचा है Na प्लस और OH नेगेटिव तो यहां पे क्या लिखोगे यहां पे लिखोगे देखो Na प्लस प्लस ओ एच नेगेटिव ही बचे हैं तो ये कंबाइन करके मेरा सोडियम हाइड्रो बनाते हैं सोडियम हाइड्रो क्या है ये बेस है तो मैं बोलूंगा ये मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो मेरा बेसिक इन नेचर रहेगा बोलो पूरा समझ आ जाना चाहिए चमका दिया है मैंने ये तुम्हारा पूरा बोलो एक बारी फटाफट फटाफट बोलो देख लो इलेक्ट्रोलिटिक सेल यहाँ पे इसको मैंने पूरा इधर समझा दिया है ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं बाकी ये इसको अभी मैं बताऊंगा लेकिन ये मेरी सीरीज बनी हुई है पूरी एनसीईआरटी वाली सीरीज है मैंने यहां से स्टार्ट किया है तो कंफ्यूज मत हो जाना मैंने ऐसे उल्टा स्टार्ट किया है तो लिपोबे सर के नाम मर गया मंजन करके हाईकोपर पारा चांदी ये सारे नहीं आएंगे तो इतना ध्यान रखने की जरूरत है नहीं क्लियर अगर क्लियर है तो मुझे बता दो प्लीज इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो नहीं तो मैं बढ़ता हूं आगे मैं बढ़ता हूं आगे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखो ई e नॉट इसको तभी तो मैं रिफरेंस मांगता हूं क्योंकि इसका जो ई e नॉट होता है वो जीरो होता है तभी तो मैंने इसको अलग रखा है इधर वाले नेगेटिव इधर वाले पॉजिटिव मेटल्स प्रेजेंट अब हाइड्रोजन तो देख रहे हो तो उनका ई नॉट रिडक्शन नेगेटिव होता है ठीक है मेटल्स प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन उनका ई नॉट रिडक्शन पॉजिटिव होता है ध्यान रखिएगा ठीक है और ई नॉट रिडक्शन टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा देखो इनकी अगर इनके हिसाब से देखोगे तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा लेकिन जो मैंने टेबल बनाई है उसमें यहां से टॉप मतलब टॉप टू बॉटम इंक्रीज रहेगा देखो यहां से टॉप टू बॉटम है इन वाली में बॉटम टू टॉप है ठीक है यहां मैं लिख दे रहा हूं बॉटम टू टॉप कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज बॉटम टू टॉप मेरा ई नॉट रिडक्शन इंक्रीज होता है इंक्रीज पूरा नोट्स दे दूंगा तुम्हारा पूरा चमक जाएगा उसकी टेंशन मत लेना क्लियर 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 है 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 अगर है, तो अपन बढ़ते हैं आगे और अपन आ गए हैं फराडे के पास अपन आ गए फराडे के पास तुम लोग चाहो तो एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो मुझे तुम लोग तीस सेकंड देना बताओ भाई अभी तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट एक मिनट देना अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत है कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट ठीक है भाई एक आखिरी पुआल लगानी है और अपना पूरा खत्म हो जाएगा ख़त्म है बस देना मुझे तीस सेकंड एक, एक आखिरी एनर्जी ले लूँ ख़त्म है चलो भाई बहुत हो गया तुम्हारा भी ब्रेक हो गया इधर आ जाओ अब देखो जो मेरे फ़राडे बाबा हैं इन्होंने दो लॉ दिए थे क्या लॉ थे किस भी थे बहुत मुश्किल से आते हैं रेयरली आते हैं लेकिन क्वेश्चन आता है क्वेश्चन मैं तुम्हारे कराऊंगा ठीक है इधर देखना जो पहला लॉ है ये वही बोलता है कि जो मेरा वेट है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है देखो द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिस बाय अ करेंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और मॉल्टन स्टेट में ठीक है हम्म hmm. अब देखो इधर इसका कहने का मतलब था कि मेरा जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के इसको अपन इधर से समझते हुए चलते हैं अरे 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 यहां पे क्या होता है जो मेरा W है ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के और अब यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन हटाऊंगा तो यहां से आकर W इज इक्वल टू जेड क्यू तुम बोलोगे सर Z क्या है तो Z होता है दोस्त तो मेरा केमिकल इक्विवेलेंस प्लीज समझते हुए चलिएगा Z हो गया मेरा केमिकल इक्विवेलेंस। अब ये केमिकल इक्विवेलेंस कैसे निकलता है तो ये होता है मेरा इक्विवेलेंट वेट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन वेफिनेशन पेपर में नहीं आती है पेपर में यही पूछने को आता है तो यहां से आ जाएगा मेरा इक्विवेलेंट वेट होता है और ये हो जाता है मेरा इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई फराडे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्त सुनिएगा प्लीज एक बार ये चीज क्लियर हो जाएगी फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी वेट होता है तुम्हारा मोलर मास मोलर मास और यहां से आ जाता है डिवाइडेड बाई एन फैक्टर क्लियर है तो ओवरऑल मैं लिखूंगा देखो तो ओवरऑल मैं क्या लिखूंगा देखना तो यहां से आ जाएगा Z है Z को एक केमिकल इक्विवेलेंट तो यहां से जो W इज इक्वल टू एम है ना M ये रखा एन एफ बाई एफ तो यहां से आ जाएगा F इंटू यहां पर तो Q है ये Q है ही तो Z की जगह आ जाएगा M ठीक है F इंटू एन एफ एफ इन टू एन एफ क्लियर तो ये बना एक तो एक तो मेरा बन के आ गया ये ठीक है अब देखो होता क्या है सिंस क्यू इज इक्वल टू आई टी सिंस क्यू इज इक्वल टू आई टी पढ़ा होगा ये थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है पर इसमें भी आ जाता है तो यहां से डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एन एफ बोलो बोलो अगर इतना समझ आ गया है तो फटाफट पड़ बोलना फटाफट पड़ बोलो माइक क्यों उतर गया भैया ठीक है ठीक है आवाज आवाज तो हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब देखो इधर इतना समझ आ गया अब मैं इसको एक और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूं यार थोड़ी देर माइक साथ दे यार क्या दिक्कत है भाई तुझे थोड़ी देर साथ दे जा अब देखो यहां पे जब मैं W पे आ जाऊंगा अगर मैं इसको चाहूं तो W बाई एम इज इक्वल टू आई इंटू टी डिड बाई एफ इंटू एन एफ लिख दू अब देखो W बाई एम क्या होता है ये है मेरे मोल्स तो एन इज इक्वल टू आई टी आई टी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एन एफ ये लो <laughs> अब तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी एक दो टर्म्स में तो मैं तुम्हारे टर्म से लिख देता हूं देखो एन है तुम्हारा सॉरी डब्ल्यू है तुम्हारा वेट ठीक है वो वेट कहां से आया देखो इधर लिखा हुआ है ना किधर गया Quantity of electricity passed, ठीक है पास तो यहां पे लिख सकते हो तुम डायरेक्टली वेट हो गया उसके बाद एम है तुम्हारा मोलर मास मोलर मास ठीक है न, छोटा एन है नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स उसके बाद आई है करेंट पासिंग करेंट पासिंग थ्रू ठीक उसके बाद यहां पे आ जाएगा मेरा अब टी है टाइम ऑब्वियसली टाइम टेकन टाइम टेकन और कोई टर्म बचा वहां पे मैंने जेड और वो तो मैंने तुम्हारे समझाई दिए एफ ऑब्वियसली एफ है मेरा फराडेस कांस्टेंट एफ हो गया फराडेस कांस्टेंट और यही फिर आता है मेरा एन एफ वो होता है मेरा एन फैक्टर ठीक है ये मेरा एन फैक्टर हो जाता है एन फैक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग वो जब आएगा तब मैं तुम्हारा दिखा दूंगा कैसे क्या निकलता है जैसे अगर वो आ जाता है ना एम जी सी एल टू तो यहां पर जो एन फैक्टर आ जाता है वो मेरा दो हो जाता है ठीक है तो इतना तुम तो लोग समझ गए होंगे प्लीज इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट यहां से मेरा फर्स्ट लॉ बनता है है ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ लिख देते हैं इधर अकॉर्डिंग टू फराडेज फर्स्ट लॉ खत्म आखिरी बात चल रहा है बस फिर तो थ्योरी आने वाली है फटाफट कर लेते हैं क्लियर है अगर आपको स्क्रीन इसका लेना है तो ले सकते हो फिर अपन बढ़ गए हैं आगे आ जाओ फिर क्वेश्चन करते हैं सीधा क्वेश्चन से तुम्हें तो बहुत चीजें समझ आ जाएंगी आ जाओ तो. देखो आ सॉल्यूशन ऑफ सी यू एसओ फोर ठीक है क्या दे रखा है फॉर टेन मिनट्स टेन मिनट्स है तो टी इज इक्वल्स टू टेन मिनट हो गया सही है विद अ करेंट करेंट दे रखा है आई दे रखा है मुझे 1.5 पॉइंट फाइव एमपी वॉट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड ठीक है तो ये मेरे से मास ऑफ कॉपर पूछ रहा है मतलब वही अपन को डब्लू बब्ल्यू निकाल के वो चलना है तो अगर ये दे रखा है तो मुझे एक चीज पता है to IT, तो यहां से क्या आएगा टेन देखो वन पॉइंट फाइव इंटू टेन अब मिनट है तो मुझे साठ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये क्या आएगा देखो पंद्रह पंद्रह तीस पैतालीस चौबूस साठ पिचहत्तर नब्बे तो यहां से अगर नब्बे है तो एक दो नौ हजार नौ हजार में से मेरा ये आ जाएगा नौ सौ देखो क्यू आ गया नौ सौ सही है देखते हो चलो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दू क्यू आ गया नौ सौ क्वेश्चन के पास चलते हैं आज सोल्यूशन ऑफ सी एसओ फोर इज इलेक्ट्रोलाइज इलेक्ट्रोलाइज मतलब सी एसओ फोर कन्वर्ट हुआ है तुम्हारा सी यू टू पॉजिटिव में प्लस एसओ फोर टू नेगेटिव में ठीक बोलो फटाफट पड़ बोलो तो यहां पे लिखा हुआ सी एस मेरा कन्वर्ट हो गया अब कितने मोल आए हैं अगर तुम चेक करोगे तो वन एक की मोल है ना तो एक मोल में कितने होते हैं एक मोल में, में मेरा वही नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो होता है ठीक पूछ कितना रहा है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर कॉपर का मास पूछ रहा है अब देखो यहां से ठीक है कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड उसके बाद कैथोड hmm. पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है जब कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो सी टू पॉजिटिव हाँ फिर तो दो इलेक्ट्रॉन खाएगा दो इलेक्ट्रॉन खाएगा और सी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा अब ठीक है अब ठीक है देखना हाँ उसके बाद जब मैं अरे भाई अभी कॉल मत करो यार ठीक उसके बाद जब मैं कॉपर सॉलिड में आ गया अब देखो एक मोल में कितने होते हैं एक मोल में नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कूलाम ठीक है कितने हैं दो इलेक्ट्रॉन तो दो मोल में दो मोल में होंगे नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो इंटू टू कूलाम ठीक है अब आ जाओ इधर अब आना इधर यहां पे नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो इंटू टू इज इक्वल टू कितना आ गया टू मोल ठीक है यहां से मेरा दो मोल में आ गया इधर दो मोल टू मोल ऑफ है सी टू पॉजिटिव थोड़ा सा लगेगा आपको पर कितना कुछ है नहीं अब देखो इधर नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो इंटू टू इसमें कितने बन रहे हैं मेरे वन मोल ऑफ कॉपर बनना है देख रहो ना दो मोल में एक मोल कॉपर तो यहां पे एक बारी मल्टीप्लाई कर लें इसका इसका एक बारी मल्टीप्लाई करना यार मैं कैलकुलेटर खोल लूँ एक बारी देखना कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो इन टू ठीक है तो ये आ गया अब देखो वन नाइन थ्री ट्रिपल जीरो कूलाम्ब में है एक मोल ऑफ एक मोल ऑफ सी यू ठीक है उसके बाद अब एक मोल सी यू मतलब मोलर मास क्या होता है सीयू का वो होता है मेरा सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम 63.5 फाइव ग्राम ऑफ सी यू में होता है इतना ट्रिपल अब सुनिएगा इधर थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगाना यहां से तुम्हें समझ आ जाएगा थोड़ी सी स्पेस चाहिए उसको मैं यहां तक ले लेता हूं देखना कितना पूछ रहा है व्हाट इज द मास कितना डिपॉजिट होगा इतने में देखो 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 19 कलर चेंज कर लें पीला कर लें 193 ट्रिपल जीरो कूलाम्ब में कितना है 63.5 ग्राम अगर मैं 1 कूलंब में निकालूं तो ये आएगा मेरा 63.5 63.5 डिवाइडेड बाय वन नाइन मतलब ग्राम कितने में निकालना है 900 में तो 900 हंड्रेड में कितना आएगा यहाँ से 63.5 इनटू 900 डिवाइडेड बाय नाइन ग्राम यहाँ से इसको सॉल्व कर लो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं 63.5 थ्री पॉइंट इंटू नाइन हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन नाइन थ्री ट्रिपल जीरो वन नाइन थ्री ट्रिपल जीरो तो ये जो निकल के आया वो पॉइंट टू नाइन थ्री एट कुछ निकल के आया है ठीक है तो यहाँ से जो निकल के आएगा W जो निकल के आएगा वो मेरा ज़ीरो पॉइंट टू नाइन थ्री एट ग्राम रहेगा प्लीज इस क्वेश्चन को एक बारी और देख लेना तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा देख लो भाई फटाफट <coughs> क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे बता देना आपके लिए एक दो मैं होमवर्क दे देता हूं है ना ये वाला मैं होमवर्क दे देता हूं ये आपका होमवर्क है बिल्कुल इजी वाला और फिर तो मेरी बैटरी आ ही जाएगी ये वाला क्वेश्चन है देखना वॉट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कुल्स रिट इज टू रिड्यूस वन मोल ऑफ सी आर टू सेवन टू निगेटिव तो देखो क्या होता है वही इसको मैं एन फैक्टर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं ठीक है मुझे बताओ <laughs> देखो देखो इधर सबसे पहले वट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो अगर मैं व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं ठीक है तो तो देखो Q equals to NF, वो तो होता ही है मेरा उसके बाद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? है तो ये वाला फॉर्मूला अगर लगा के मैं इसको सॉल्व कर दूं ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देते खत्म हो जाएगा एन एफ करते हुए चलना तो देखो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन है छह इलेक्ट्रॉन तो सिक्स इन एन फैक्टर कितना है सीआर टू सेवन से सी आर थ्री में प्रन मोल है तो यहां से वन इन टू बस मुझे इलेक्ट्रॉन है सी आर टू अरे देखो इधर आ जाओ सी आर टू यहां से अगर आप चेक करोगे क्रोमियम कितने में है देखो ऐसे निकाल लो टू आईस ऑफ एक्स माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू माइनस टू है माइनस टू और यहां से जब एक्स जो निकल के आएगा वो आएगा मेरा प्लस सिक्स सिक्स थ्री में प्लस थ्री लेकिन चेंज कितने का का हो रहा है है लेकिन यहां पे है, तो यहां पे पे दो दो प्रेजेंट क्रोमी में तो मुझे इंटू टू करना पड़ेगा बस ये चीज ध्यान रखनी है एन फैक्टर ध्यान रखना है वही मुझे मल्टीप्लाई कर देना है उसके बाद ये तुम्हारा बिल्कुल ईजी होमवर्क मैंने दे दिया है, है ना बिल्कुल ईजी आई दे रखा है आई दे रखा है टाइम दे रखा है क्यू इज क्यू निकल आएगा जब यहां से क्यू आ जाएगा तो मेरे वही उसको मैं कंपेयर कर दूंगा नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो इलेक्ट्रॉन से एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन यहां से जो क्यू निकल के आएगा उतने इलेक्ट्रॉन आप लगा दोगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है मुझे इसका आंसर चाहिए समझ आया ठीक है तो दोस्त जो मेरा मेजोरिटी पार्ट था मैं बोलूंगा 90 पार्ट कंप्लीट हो गया अब बस एप्लीकेशन बचा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैटरी बैटरी का उसको अपन फटाफट देख लेते हैं कहां से क्वेश्चन बनेगा वो मैं तुम्हारा बता दूंगा ठीक है अभी फटाफट थ्योरी आ गई है इस चैप्टर की थ्योरी बिल्कुल आखिरी में है अच्छी बात है बैटरी होती क्या है कुछ नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव करेक्ट कर दो इट मे है मोर देन सेल जो सेल है नेगेटिव और पॉजिटिव वालों मैंने बहुत सारे सेल मिला दिए जैसे अगर तुम्हारा कोई बहुत ज़्यादा कोई रेसिंग कार देखिए रेसिंग कार तो उसमें हम सेल मिलाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तीन सेल लगा दिए तो अब मुझे वो बैटरी ज़्यादा पावर मिलेगी ठीक है तीन चार सेल लाइन में लगा दो तो वो जो बैटरी बन जाती है तो मुझसे ज़्यादा पावर मिलती है और जो रिमोट वाली कार होती है उसमें ज़्यादा पावर चाहिए रहती है <laughs> ठीक है और सेल दैट वी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भाई इलेक्ट्रिक मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्वियसली मुझे बनानी होती है यहां पे क्या है देख देख लो लो लिखा हुआ केमिकल एनर्जी ऑफ प्रोडॉक्स इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल तो ध्यान रखिएगा बैटरी में कौन सी एनर्जी मुझे मिलती है बैटरी में हम लोग केमिकल से केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं केमिकल से इलेक्ट्रिकल केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं सब में रिडॉक्स रिएक्शन होती है और गैल्वेनिक सेल बनता है ऑब्वियसली ठीक है अब आते हैं प्राइमरी प्राइमरी बैटरी का मतलब ये है कि एक बार मैंने पूरी बैटरी अगर यूज कर ली तो मैं उसको फिर से चार्ज नहीं कर सकता जैसे अगर मेरे पास ये मेरा पॉइंटर है ये मेरा पॉइंटर है इसके अंदर जो बैटरी पड़ी हुई है ये वाली बैटरी जो है यह आपको दिख भी रही होगी ये वाली बैटरी जो है अगर मैंने इसको ये एक बार यूज हो गई फिर यह सीधा डिस्चार्ज होगी दोस्त डिस्चार्ज हो गई तो फिर मुझे इसको फेंकना है मैं इसको फिर से यूज नहीं कर सकता है ना मैं इसको फिर से यूज नहीं कर सकता उसके बाद उसके बाद आते हैं इधर देखो क्या लिखा हुआ है द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस बार 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 होगा और एक बारी जब पूरी डिस्चार्ज हो गई बिकम्स एंड डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज अगेन जो मेरा बिल्कुल घर वाला जो मेरे अभी मैंने सेल दिखाया था इसको मैं ड्राई सेल या फिर जिसने इसकी खोज करी थी लेक्लांच, तो इसको अपन लेक्लांच सेल भी बोलते हैं ठीक है ठीक है? है वो मेरा ट्रांजिस्टर क्लॉक्स घड़ी में ये प्रेजेंटर में हर जगह रिमोट में हर जगह यूज होता है तो प्राइमरी सेल लिकला सेल मेरा क्या है एक बार यूज हो गया फिर वो मेरा पूरा खत्म हो जाता है बढ़िया बढ़ते हैं अपन आगे अब ये रिएक्शन है प्लीज एक बार देख लेना इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है बस देख लो एक बार एनोड पे तुम्हारा जिंक का ऑक्सीडेशन होता है ठीक है जिंक टू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और कैथोड पे तुम्हारा एम मेनो टू यहां पर अगर तुम चेक करोगे तो ये प्लस फोर में है और यहां पे प्लस टू में आ गया मतलब रिडक्शन हो गया है ठीक तो ये रिएक्शन है स्क्रीन शॉट ले लो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है जस्ट इन केस उसके बाद आता है तुम्हारा मरकरी सेल ठीक है ये मरकरी सेल आपने देखा होगा ये मेरा यूज होता है जो क्लॉक्स होती हैं डिजिटल वाली एनालॉग वाली जो क्लॉक होती है तो उनमें यूज होता है छोटा सा सेल होता है जिसमें अगर हम बचपन में क्या करते थे कि इस सेल को ये वाला पार्ट जो होता है इसको जीप पर लगाते थे तो ऐसे वाइब्रेट होता था तो वो चेक करने के लिए भी होता है कि अगर सेल काम कर रहा है तो अगर जीप पे लगा के वो थोड़ा सा झंझराहट महसूस हुई तो काम कर रहा है तो ये मेरा मरकरी सेल होता है तो यहां पे पूरा जो ध्यान रखने वाला है वो यही है दोस्त और इसकी मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं देखना ओवरऑल रिएक्शन पेपर में बहुत रेयरली कभी कभी आ जाता है लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में लिख देता हूं हाँ मरकरी वाला है इसमें एनोड और कैथोड में ये वाली बात पूछ सकता है जो मैंने लाल से लिख रखा है क्या लिखा हुआ है द रिड्यूसिंग एजेंट इज जिंक एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज मरकरी ऑक्साइड एच जी ओ ध्यान रखिएगा एच जी ओ तो ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा तो देखो यहां से H2O से H2O कैंसिल टू ओ एच निगेटिव से टू ओ एच निगेटिव दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल तो जो मेरी ओवरऑल रिएक्शन बनती है वो बनती है जेड एन एच जी प्लस एच जी ओ गिव्स आउट क्या देता है ये देता है मुझे जेड एन ओ सॉलिड और यहाँ से प्लस एच जी लिक्विड तो देखो यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है देखो इसका ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है ये जीरो से मेरा प्लस टू में पहुंच गया तो ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है और एच जू मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर तुम पेपर में ये वाली भी लिखाओगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं नोट्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं है ना मैंने वो प्रॉपरली लगा भी रखा है तो इसको मैं पी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर तो उसकी टेंशन मत लेना ठीक है जैसी सेशन ये जब लाइव होगा तब तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी बढ़ते हैं सेकेंडरी सेकेंडरी बैटरी या बोलो सेकेंडरी बैटरा अब ये बैटरा क्या होता है ये ऐसा होता है जिसको मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ अपन आप घर में देखेंगे हमारे घर में इन्वर्टर जो होता है इन्वर्टर के साथ एक बैटरी लगी होती है तो इसमें अनलिमिटेड साइकिल्स चलती रहती है रिचार्जिंग डिस्चार्जिंग डिस्चार्ज हो गया रिचार्ज हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा रिचार्ज हो जाएगा अब ये होता कैसे है सुनो जब ये रिचार्ज होता है तो इसमें जो मूवमेंट होता है एन वो होता है एनोड टू कैथोड और जब डिस्चार्ज होता है तो होता है कैथोड टू एनोड तो ऐसे साइकिल चलती रहती है एनोड टू कैथोड कैथोड टू एनोड एनोड टू कैथोड कैथोड टू एनोड ये साइकिल चलती रहती है रिपीटेटिवली जब तक मेरा इलेक्ट्रोलाइट उसका जवाब नहीं दे जाता फिर हम लोग उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं तब वो फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है देखो क्या लिखा हुआ है सेकेंडरी सेल कैन बी यूज बायिंग अगेन बाई पासिंग करेंट थ्रू इट इन ऑपोजिट डायरेक्शन बोला ना अगर एनोड टू कैथोड वो मुझे बिजली दे रहा है तो कैथोड टू एनोडो करंट प्रोवाइड कर दो वो तुम्हारी फिर से चार्ज हो जाएगी अरे अब तो तुम्हारी इतनी सारी वो आ गई है लिथियमाइन बैटरीज आ गई है वो देखा होगा तुमने यूलू यूलू मतलब एक वो है जो चलाते हैं उसमें यह सारा यूज होता है डिस्चार्ज हो गई फिर से चार्ज करके लगा दो ई रिक्शाज हो गए है ना ई e बाइक्स हो गई इतनी सारी ई e बाइक्स है ओला बाइक है ये सब है तो ये सब यही चीज यूज करती है अ गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडर अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल बोलते नहीं है कि भैया ल्यूमिनस का ले लो या उसका इन्वर्टर ले लो वो ले लो वो डिपेंड करता है कितनी ज्यादा साइकिल्स हैं तुम अगर अब खरीदने जाओ इन्वर्टर बैटरी लेने जाओ तो उससे बोलना कि इसकी साइकिल कितनी है बोलेगा ये वाली साइकिल नहीं कि इसकी रिचार्ज और डिस्चार्जिंग साइकिल कितनी है वहां से तुम्हें तो चीज़ मालूम पड़ेगी समझ आया तो ये कहानी है दोस्त यहाँ पे यह पूरा बना हुआ है इसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये तो तुम्हारा बिल्कुल भी काम का नहीं है इधर बस देख लो जस्ट एक ओवरव्यू है ना एक वो होता है कि हाँ एट द एड भी मतलब यहाँ पे पड़ा रहता है वो चीज़ कि हमने देखा था कि भाई ये मेरा पॉजिटिव मतलब ये एक केस है प्रोटेक्टिंग केस है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल यहाँ हम ऐसे लगा देते हैं दो सॉकेट्स ठीक है और मेरा डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता रहता है ऑब्वियसली इसमें एसिड होता है तो प्लीज इसको मत छूगा बिल्कुल नीचे या तुम्हारा एस टू एस फोर पड़ा होता है कुछ लोग इसको चेंज कर देते हैं डिस्टिल्ड वाटर से मत किया करो दिक्कत हो जाती है ठीक है ये है इसकी रिएक्शन ठीक है तो ओवरऑल रिएक्शन कभी कभी पेपर में आ जाती है तो प्लीज ओवरऑल रिएक्शन में आपकी लिख देता हूं देखना इधर है ना हाँ बस यही बचा हुआ है टेंशन मत लो यार यही बचा हुआ है उसके पास बस फ्यूल सेल है और तुम्हारी कहानी खत्म है और और फ्यूल सेल बचा हुआ है मिनट मिनट लगेंगे 5 पर तुम्हारा खत्म अब देखो इधर ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो ये टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा पीबीएसओ फोर से पीबीएसओ फोर कैंसिल हो जाएगा दो पानी उधर है यहां एच प्लस है उधर दो पानी है और कुछ कैंसिल होगा और कुछ नहीं होगा तो देखो पीबी Pb... pb solid plus 2 h2 2 so4 प्रेजेंट है इधर हाँ अब देखो होगा क्या यहां पे so4 ये वाला कैंसिल और ये वाला so4 कैंसिल इस वाले pb so4 से ये वाला pb so4 अगर मैं 2 so4 कर दूं नहीं फिर नहीं होगा तो देखो क्या रहेगा 2 so4 2 नेगेटिव है ना h+ प्रेजेंट है तो भाई उसको मैं लिखूंगा उससे पहले pbo2 पी बी ओ टू सॉलिड ये एक्व फॉर्म में प्रजेंट है यहाँ प्लस फोर एच पॉजिटिव गिवस आउट ये होंगे मेरे ट्वाइस ऑफ पी बी एस ओ फोर हाँ अब सही है कैंसिल कर देते तो भैया दिक्कत हो जाती प्लस ट्वाइस ऑफ एच टू ओ लिक्विड ये बना दोस्त ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन है बस ध्यान रखना है लिख लो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा आ सकता है उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे आते हैं निकल कैडमियम पे अब इसमें तो नाम में ही सब है ये थोड़ी सी महंगी है बस देखो निकल कैडमियम सेल निकलमियम से लाइफ देन द लेड स्टोरेज सेल ये वाली मेरी लेड वाली थी बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर देखो जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं जिसमें इन्वर्टर्स जो हैं वो बहुत मतलब बहुत दिनों तक चलते रहते हैं अगर लाइट भी ना हो तो वो बने होते हैं निकल निकिलेडमियम के ठीक है क्योंकि इनकी चार्जिंग मतलब रीचार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो साइकिल है वो बहुत लंबी होती है और इसका जो ये है वो आपकी इक्वेशन इधर लिखी हुई है एक बार बस ओवरव्यू देख लेना ऐसा केस होता है सॉफ्ट वाल मेटल टल्प यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये सब रहता है बस ध्यान रखिएगा निकल है इधर मेरा निकल और कैडमियम अगर तुम चेक करोगे तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है चेक कर लेते हैं देख लो कैडमियम इधर से इधर गया यहां यहां प्लस टू में यहां है प्लस में इन भाई साहब का हो जाता है रिडक्शन तो ध्यान रखना निकिल कैडमियम में निकिल का रिडक्शन है ना निकिल का रिडक्शन कैडमियम का ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली ये सारी रिएक्शन जितनी भी मेरी फ्यूल सेल वाली रिएक्शन है मतलब जितना भी बैटरी बैटरी सेल वाली है सारी रिएक्शन ये चीज ध्यान रखिएगा अपन बढ़ते हैं आगे आते हैं फ्यूल सेल के पास फ्यूल सेल ये है भाई भयंकर सेल देखो क्या है गैल्वनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन मीथेन समझ रहे ना? फ्यूल. फ्यूल से जो मेरा सेल बनता है जो मेरी फ्यूल की हेल्प से मीथेन ठीक है मीथेनॉल और हाइड्रोजन गैस के हेल्प से जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है समझ में आया हाइड्रोजन फ्यूल अब तो स्टार्ट होने वाला है इज नोन एज फ्यूल सेल वन ऑफ द मोस्ट देखो क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल यूजेज रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर ऑब्वियसली एक केरला के कोई स्टार्टअप है वो शायद इसमें भी आए थे शार्क टैंक में उन्होंने आउट ऑफ थिन एयर मतलब हवा में ही एच एच टू और ओ टू वो ग्रेस्प करके एच टू वो बना दिया था सेल मतलब देख रहे हो जैसे जो ए सी है एसी में कंडेंसेशन रिएक्शन काम करती है तो वहां पर देख रहे हो पीछे पानी टपकता रहता है तो अब वो अब ए बहुत कम टाइम पानी आ, दे रहा है लेकिन यही रिएक्शन अगर तुम दही से यूज करोगे फ्यूल सेल में यूज करोगे तो वो अपना यूज कर जाता है तो ओवरऑल आ जाओ रिएक्शन लिख लेते हैं जो मेरी ओवरऑल रिएक्शन रहेगी दोस्त वो इधर से चेक करना देखो देखो यहां से ओ एच ओ एच गायब दो से दो मैंने गायब कर दिए तो यहां से आएगा ओ टू गैस ठीक है प्लस ट्वाइस ऑफ एच टू गैस है ना दो पानी इधर है तो दो पानी इधर गायब हो जाएंगे फोर ओ एच गायब हो जाएंगे और यहां से आ जाएगा गिव्स आउट ये आ जाएगा लिक्विड बिल्कुल गिव्स आउट ऑफ अब इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहां ऐसे लगा दिया है ठीक है तुम चाहो तो तुम इसको फोर कर लेना बैलेंस करने के लिए फोर नहीं तो एक काम करो ना कितने हैं चार हैं यहां आठ हैं तो यहां पे फोर ओव एच प्लस कर लो दो फोर ओव OH प्लस कर लो नेगेटिव ठीक है और फिर यहां मुझे चार पानी भी ऐड करने पड़ेंगे प्लीज ध्यान रखिएगा है ना ये तो बहुत इजी है कुछ नहीं है H2 टू प्लस ओ टू गिव टाइस ऑफ एच टू तुम चाहो तो ये भी लिख के आ सकते हो फ्यूल सेल में है ना ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड वैसे भी इसमें से नहीं आता है अब एक चीज लिखी हुई है उस चीज में ध्यान देना क्या लिखा हुआ है द सेल्स रन कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिए आर सप्लाइड है ना फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिकसी देखो एफिशियंसी या फिर एफिकेसी ऑफ अबाउट सेवेंटी परसेंट कंपेयर टू द थर्मल प्लांट्स एफिशियंसी इज अबाउट फोर्टी परसेंट और फ्यूल सेल ऑब्वियसली ये मेरे पॉल्यूशन फ्री रहते हैं एंड इन व्यू ऑफ द फ्यूचर इम्पोर्टेंस द वराइटीन फेब्रिकेटेड एंड ट्राइड यह बोल रहा है कि जो मेरा फ्यूल सेल है फ्यूल सेल इसकी जो एफिशिएंसी होती है जिसको अपन ईटा से डिनोट करते हैं ईटा से वो कहीं ना कहीं जीरो पॉइंट सेवन होती है यही जो हम जो प्लांट्स यूज करते हैं थर्मल प्लांट्स थर्मल एनर्जी के थ्रू हम लोग जो लेते हैं है ना थर्मल प्लांट्स वहां से जो हमें एनर्जी मिलती है उसका जो ईटा होता है वो जीरो पॉइंट फोर होता है इसलिए ये काफी अच्छा है और इसको हम लोग रिसेंट यूज में भी लाए हैं ठीक है और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये मेरा पॉल्यूशन फ्री भी होता है अब पॉल्यूशन फ्री है ऑब्वियसली तुम कुछ भी बना दो जो एनवायरमेंट पे इफेक्ट ना करे दोस्तों तुम्हें जाके नोबल मिलेगा मैं बता रहा हूं ना क्योंकि अभी वैसे भी वो सब चल रहा है ना कि भाई जो सी ओ टू की वो है ओवरऑल मात्रा उसको कम किया जाए तो वो सारी कार्बन फूड प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं तो कार्बन फूड प्रिंटिंग कम करी जा रही है तो तुम लोग उसमें हेल्प कर सकते हो आते हैं कोरोजन पे कोरोजन आ जाओ वही करोजन जंग लग जाना आज जंग कैसे लगती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं इजी है करोजन क्या है स्लोली कोड्स द सर्फेस ऑफ द मेटलिक ऑब्जेक्ट विद विद ऑक्साइड्स और अदर सॉल्ट ऑफ द मेटल द रस्टिंग ऑफ आयरन ठीक है जरूरी नहीं है जंग मेरी उसी में लगे सिल्वर पे भी लग सकती है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ करोजन इसमें क्या होता है इजी है जैसे ये मेरा सरफेस है ये सरफेस है इस पर एफ यू टू ओ थ्री है ऑक्सीडेशन होता है एफ तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा एफ पॉजिटिव में बहुत इजी <coughs> देखो अरे ये तुम्हारी मेटल है मेटल ऑब्वियसली आयरन होंगे तो पहले ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा एफ टू पॉजिटिव में एफ टू पॉजिटिव एफ टू पॉजिटिव हवा में ऑक्सीजन है हवा में ऑक्सीजन के साथ वो कन्वर्ट हो जाता है एफ में ये मेरी लेयर बन जाती है एफ की अब जब लेयर बन गई तो वो धीरे धीरे उसे डिग्रेड करने लगती है और डिग्रेड करके देख हो यहाँ पे ये इसमें घुस जाती है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देख रो एफ पी यहां से ओ टू बनेगा प्लीज ओवरऑल रिएक्शन इसकी ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है इसकी अपन ओवरऑल रिएक्शन ध्यान करके रखेंगे कुछ नहीं ओवरऑल रिएक्शन आयरन एफ टू पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद पानी से रिएक्ट करके ये तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड बना देता है बस ये चीज इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा फेरिक फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड बना देता है oxide, बस अगर इतना समझ आ गया है तो दोस्त तुम्हें दिक्कत नहीं होगी ठीक है एक आखिरी पॉइंट है ना एक आखिरी पॉइंट है वो पॉइंट देख लेना कोरोजन में होता क्या है देखो इन द अ मेटल इज ऑक्सिडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड क्या हुआ पहले तुम्हारी मेटल थी पहले तुम्हारी मेटल थी आ, इधर Fe कलर चेंज करो यार गंदा कलर है पहले तुम्हारी Fe कन्वर्ट होती है Fe2 पॉजिटिव में देख लो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई और फिर जो Fe2 पॉजिटिव है अब वो ऑक्सिडाइज हो जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Fe2O में बस ये ऑक्सीजन कहां से आती है ये मेरी पानी से आती है ध्यान रखना ठीक है तो क्या लिखा हुआ है कोरोजन ऑफ आयरन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर देखो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड गो ऑन अनदर स्पॉट एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस ये वाली कहानी यहाँ पे मैंने समझाई कि भाई एफ टू पॉजिटिव वो दूसरे स्पॉट में जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में और जब एक बारी फेरिक ऑक्साइड बन गई ये वाली लेयर पूरे पर बन जाती है और इसको जंग लगाना शुरू कर देती है तभी तो जो आयरन है बहुत दिन बाद अगर उसको हम यूज़ करते हैं तो उस पर हम रेगमाल समझते हो ना सैंड पेपर जो होता है तो रेगमाल से हम उसको साफ करते हैं तो आई होप आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट पूरा क्लियर हो गया होगा सारा जीरो से लेके हंड्रेड तक तुम्हारे नौ नंबर दोस्त मैंने पक्के करा दिए हैं अब हां क्वेश्चंस करने हैं थ्योरी कंप्लीट हो गई क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चंस अभी अपन लोग बहुत करेंगे ये तो शुरुआत है एग्जाम तो अगली साल है मैंने तुम्हारा वन शॉट तो अभी दे दिया इसको पढ़ते हुए चलिएगा एक बार देखना दो बार देखना ना समझ आए तीन बार देखना कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मज़ा आया अच्छा लगा कैसा लगा वन शॉट बताइएगा कोई सजेशन है कोई क्वेरी है जो तुम तो मुझे बताना चाहते हो तो वो चीज़ आप बता सकते हो बाकी अब हम इसके क्वेश्चन पर फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे चाहे वो पी वाई क्यूज होगा या सैम्पल पेपर होगा या फिर कोई भी मॉक टेस्ट हो गया

पढ़ाई करिए आई होप कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी बढ़िया तरीके से दिमाग में आ गई होगी कमेंट बॉक्स में आप प्यार दीजिएगा मिलेंगे अगले ऐसी ही वन शॉट के साथ बाकी लाइव क्लासेस में हम लोग साथ में मिलते ही हैं तो बने रहिए चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिएगा बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में प्यार देते हुए वीडियो लाइक करिएगा अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए दोस्त है ना मिलेंगे अगले सेशन में तब तक अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच बाय बाय